मेरी पहली चॉइस नहीं थे। तुम यहाँ आए हो एडमिरल कजांस की और आइसमैन की गुजारिश पे। जो लोग अपनी औकात भूल जाते हैं उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। देखने से पहले यहाँ जाने पूरा रिव्यू वो भी हिंदी में आ जाने किस ओटीटी पर देखे इस फिल्म को। पी रामकृष्णा उर्फ रिकी एक अति सक्रिय युवा है जो जासूस बनना चाहता है लेकिन रॉ द्वारा 3 बार खारिज कर दिया जाता है, इसलिए वो रॉ प्रमुख महादेव उर्फ द डेविल के सिस्टम को हैक कर लेता है ताकि वो उसकी नजर में आ सके। अंत में शैतान उसे गुप्त रूप से भगवान की कार्य योजना का पता लगाने के मिशन पर नियुक्त करता है जिसने भारत को नष्ट करने के लिए कुछ बड़ा प्लान किया था। भगवान कौन है, शैतान के साथ उसका क्या रिश्ता है, क्या विक्की ने उसे ढूंढ लिया और उसके मिशन को रोक दिया, आगे क्या हुआ, फिल्म में सभी जवाब है। अकेले किनेनी को निभाने के लिए एक शानदार भूमिका मिली है। उनके किरदार को निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी ने बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया है जो अखिल की पिछली भूमिकाओं से बिल्कुल अलग है। उनका अभिनय खास तौर पर एक्शन सीक्वेंस में बड़े पर्दे पर देखने लायक है। अखिल को इस तरह के अलग अलग किरदार में देखना प्रशंसकों के लिए किसी दावत से कम नहीं है। सुरेंद्र रेड्डी ने अखिल में एक बेहतरीन डांसर की भूमिका भी निभाई है। अखिल के प्रयास और भूमिका के लिए उनका रूपांतरण सराहनीय है। मलयालम मेगास्टार मम्मूटी को एक अच्छी भूमिका मिली है। उनका किरदार दर्शकों के बीच भ्रम पैदा करता है कि ये रॉ चीफ है या बुरे आदमी। स्टार हीरो अपने किरदार के लिए डबिंग भी करते हैं जो अच्छी बात है। साक्षी वैद्य बहुत ही प्यारी लगती है और अखिल के साथ उनकी स्क्रीन टाइम बहुत ही कम है लेकिन ये देखने लायक है। अखिल के प्रशंसकों के लिए पहला भाग एक दवात है क्योंकि उनका किरदार अप्रत्याशित है, वो पागल है और पहले भाग में उसकी हरकतें मजेदार है। मंत्री जयदेव के साथ उनकी बातचीत और इंटरवल से पहले की लड़ाई की सीक्वेंस सीटी बजाने लायक है। माइनस पॉइंट्स, कहानी थोड़ी अनुमानित है। वक्त तंबामसी को कम से कम दूसरे घंटे में कहानी को आकर्षक तरीके से लिखने में उचित सावधानी बरतनी चाहिए थी। पहले भाग में अच्छी पटकथा दूसरे भाग में धीमी गति से चलती है, इससे बोरियत महसूस होगी। दूसरा भाग कम के लिए एक बड़ी निराशा है क्योंकि ये पहले भाग जितना आकर्षक नहीं है। क्लाइमैक्स वाला हिस्सा बहुत ही मूर्खतापूर्ण लगता है। दूसरे भाग में भावना तक हिस्सा अच्छा नहीं रहा। डीनो मोरिया द्वारा
द्वारा निभाया गया खलनायक का किरदार अच्छा है, लेकिन निर्देशक को ये बताने के लिए बेहतर कारण दिखाना चाहिए था कि वो भारत के खिलाफ क्यों है। साथ ही कई किरदारों का फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण के लिए इस फिल्म में वरलक्ष्मी शरद कुमार की कोई जरूरत नहीं है। मुरली शर्मा, अनिशा कुरुविल्ला और अन्य केवल कुछ दृश्य तक ही सीमित है। एक्शन सीक्वेंस अच्छे से डिजाइन किए गए हैं, लेकिन वीएफएक्स बहुत ही खराब है। और ईमानदारी से कहे तो कई मिड बजट फिल्मों में इससे बेहतर वीएफएक्स होता है। साथ ही गानों की प्लेसमेंट खराब है, ये बाधा बन जाते हैं। निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी अखिल की पूरी क्षमता का उपयोग करने में सफल रहे हैं। उन्होंने उन्हें बहुत ही अच्छे से दिखाया और अभिनेता के सामूहिक दृष्टिकोण को उजागर किया। हालांकि ये दूसरे भाग में कहानी को अच्छी तरह से बयान करने में विफल रहे, जिससे पहले भाग के अच्छे प्रदर्शन के बाद काफी आकर्षक होना चाहिए था। रसूल एलोर की सिनेमाटोग्राफी ठीक है और हिप हॉप तमीज हा का संगीत भी ठीक है। संपादन बेहतर हो सकता था और नवीन नोली को दूसरे भाग में कई अनावश्यक दृश्यों को काम करना चाहिए था। प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है। कुल मिलाकर अखिल स्टारर एजेंट एक औसत दर्जे की जासूसी थ्रिलर है। अखिल का प्रदर्शन और कुछ एक्शन सीक्वेंस फिल्म के लिए वरदान है। दूसरे भाग में खराब पटकथा, कुछ अति रंजित दृश्य और एक मूर्खतापूर्ण क्लाइमैक्स भाग आपको बोरियत का एहसास कराता है। अगर आप एक्शन मूवी के दीवाने हैं तो आप इस वीकेंड ये फिल्म देख सकते हैं। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर देख सकते हैं। एजेंट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वो भी हिंदी में। रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल से दो आतंकवादियों को मारने के लिए एक असंभव मिशन की योजना बनाने के बारे में पूछताछ की गई, जहां महादेव ने खुलासा किया कि दोनों आतंकवादी जस्ट सिंडिकेट नामक एक निजी आतंकवादी संगठन के तहत काम कर रहे थे, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जय किसान और धर्म उपनाम भगवान। इस बीच रामकृष्ण रिकी उर्फ वाइल्ड साला एक महत्वाकांक्षी युवा है जो कई असफल प्रयासों के बावजूद रॉ एजेंट बनना चाहता है। उसकी क्षमता को देखने के बाद महादेव रिकी को धर्म पर कब्जा करने के लिए एक नौसिखिया के रूप में खुद को छिपाने के मिशन पर सौंपता है। ये पता चला कि धर्मा एक पूर्व रॉ एजेंट था जो महादेव द्वारा उसकी प्रेमिका को मारने के लिए मजबूर करने के बाद दुष्ट हो गया था और अब सुपर सेल्स नामक एक घातक वायरस फैलाने की योजना बना रहा है। महादेव के साथ मुठभेड़ के दौरान वायरस युक्त उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाता है और एक तकनीकी समस्या उत्पन्न हो जाती है। रिकी बंदरगाह पर गोलीबारी में जय किसान को मार देता है और धर्मा के सिंडिकेट के अन्य संचालकों के बारे में जानने के लिए कश्मीर जाता है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और महादेव उसे रॉ एजेंट होने से इनकार करता है। ऐसा करने के तुरंत बाद रिकी धर्म की मदद से हिरासत से भाग जाता है। बाद में उसे पता चला कि रिकी की गिरफ्तारी रिकी और महादेव दोनों द्वारा धर्म के संचालन के बारे में जानने के लिए बनाई गई एक चाल थी। इस बीच वायरस युक्त डिवाइस को ठीक कर दिया जाता है और डिवाइस को उच्च बोला लगाने वाले को बेचने के लिए एक बैठक की व्यवस्था की जाती है, जिसके बारे में महादेव को रिकी से पता चलता है और वो उसे डिवाइस की एक प्रति प्राप्त करने का काम सौंपता है, जिसमें सभी के नाम और पहचान भी शामिल होती है। सीक्रेट रॉ एजेंट और सक्रिय रॉ एजेंट। धर्म का पता चलता है कि रिकी डिवाइस की नकल कर रहा है, जिस पर वो महादेव का सामना करता है और उसे खुद को गोली मारने के लिए मजबूर करता है या वो मिसाइलों के माध्यम से वायरस फैला देगा। महादेव रिकी को उसी गोली मारने के लिए कहता है जो वो अनिच्छा से करता है। रिकी धर्मा का पता लगाता है और उसे मार डालता है, साथ ही मिसाइलों को देश में वायरस छोड़ने से भी रोकता है। बाद में वो रैबिट फायर नामक एक नए मिशन पर निकल पड़ा। साउथ एक्टर अखिल अक्किनेनी की फिल्म एजेंट देखने से पहले जान लीजिए फिल्म का पूरा रिव्यू। प्रेम कहानियों का नाम अक्किनेनी परिवार के नायकों के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा नायक अखिल अब तक ऐसी कहानियों के साथ सफर करता रहा है। हेलो मिस्टर मजनू और मोस्ट एलिजिबल बैचलर फिल्मों से उन्होंने सिनेमा प्रेमियों के मन में लवर बॉय की छवि बना ली है, लेकिन अब अखिल एजेंट के साथ अपनी छवि के विपरीत एक मास एक्शन हीरो के रूप में मनोरंजन करने के लिए तैयार है। सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित ये एक स्टाइलिश स्पाई एक्शन थ्रिलर है। ममूटी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्मांकन में देरी के कारण कई बार स्थगित हुई फिल्म ने आखिरकार सिनेमाघरों में प्रवेश कर लिया है। और क्या है इस एजेंट की कहानी? इस फिल्म के लिए अखिल को 2 साल की मेहनत का क्या नतीजा निकला? रिकी उर्फ रामकृष्ण एक मिडिल क्लास लड़का है। वो जासूस बनने के उद्देश्य से रहता है। वही वजह है कि वो
आरए में शामिल होने के लिए 3 बार परीक्षा देता है, लेकिन हर बार इंटरव्यू में उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। अपने एथिकल हैकिंग कौशल के साथ ये सोचकर कि उसे आजमाने का कोई फायदा नहीं है, रॉ प्रमुख डेविल उर्फ महादेव सिस्टम को हैक कर लेता है और उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन रिक्की की बंदर की हरकतों को देखकर वो भी उसे रिजेक्ट कर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर भगवान उर्फ धर्मभारत को नष्ट करने के लिए मिशन रेबिट नामक चीन के साथ एक बड़ी साजिश रचता है। हालांकि महादेव अपने एजेंट की मदद से उनकी साजिश को विफल करने की कोशिश करते हैं और विफल हो जाते हैं, इसलिए वो दूसरी बार रिक्की को उस मिशन के लिए तैनात करता है और महादेव ने रिक्की को जिस रॉ के लिए काम नहीं करने के कारण अलग कर दिया गया था उतने बड़े मिशन के लिए मैदान में क्यों उतारा। रिक्की ने अपने आदेशों को दरकिनार कर कौन से जोखिम मिल लिए, उनके असली जासूस बनने के लक्ष्य के पीछे क्या प्रबल कारण था, कैसे रॉ को मिशन रेबिट वैद्य के साथ उनके रोमांस का क्या हुआ, इस कहानी के केंद्रीय मंत्र जय किशन क्या है, वो बाकी कहानी है। ये एक जासूसी एक्शन थ्रिलर है जो देशभक्ति की पृष्ठभूमि पर आधारित है। मुख्य रूप से ये 3 रॉ एजेंटों के बीच की लड़ाई है। यदि उनमें से एक देश को नष्ट करने के उद्देश्य काम कर रहा है तो वही दिलचस्प है कि अन्य 2 साजिश को रोकने के लिए कैसे लड़े। हाल ही में रिलीज हुई पठान भी इसी तरह की कहानी है, लेकिन इस फिल्म में जितने एक्शन और थ्रिलिंग एलिमेंट से ये फिल्म नदारद है। दरअसल इस तरह की जासूसी एक्शन थ्रिलर में कहानी बस एक छोटी सी लाइन होती है, एक्शन और रोमांचकारी क्षण अधिक महत्वपूर्ण है। फिल्म की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें कितना दिलचस्प बनाया गया है। इस लिहाज से रेजेंट उम्मीद के मुताबिक प्रभावित नहीं कर पाया। फिल्म दिलचस्प तरीके से शुरू होती है जब रिक्की द्वारा महादेव की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वहां से कहानी रिक्की के वॉइस ओवर के साथ आगे बढ़ती है। ड्रीम एजेंट के रूप में अखिल की एंट्री फाइट प्रभावशाली है। रिक्की के जासूस बनने की प्रयासों के साथ पहले 55 मिनट, फिर वैद्य के साथ प्रेम प्रसंग के साथ एक और 20 मिनट के लिए फिल्म स्पष्ट रूप से चलती है। कहानी को उस दृश्य के साथ एक और बढ़ावा मिलता है जहां रिक्की केंद्रीय मंत्री जय किशन के घर जाता है और वैद्य को परेशान करने की चेतावनी देता है। भगवान का मिशन खरगोहो भारत को नष्ट करना शुरू कर रहा है। फिल्म गति पकड़ती है क्योंकि उसे रोकने के लिए महादेव और रिक्की को लाया जाता है। ब्रेक से पहले 20 लुक के साथ अखिल का एक्शन उमद, जिस तरह से वो महादेव के आदेशों की अनदेखी करता है और जय किशन का गिरोह खड़ा करता है, वो मनोरंजक है। उसके साथ ही दिलचस्प ये देखने लगती है कि सेकेंड हाफ में क्या होगा, लेकिन उसके बाद से लगता है कि कहानी पूरी तरह से खो गई है। वास्तव में रॉ द्वारा चलाए जाने वाले ऑपरेशन, जिस तरह से वो दुश्मनों की साजिश को तोड़ते हैं, वो बहुत ही रीचक और रोचक अकल्पनीय है। उस सिस्टम की पूरी कार्यप्रणाली एक माइंड गेम की तरह होती है, लेकिन इसमें उसे प्रभावी ढंग से नहीं दिखाया जा सका। कुछ एपिसोड्स को देखकर लगता है कि फिल्म रॉ के असल परफॉर्मेंस पर बिना कोई रिसर्च किए बनाई गई थी। वीडियो में विलन अपने ऑफिस में बैठकर रॉ टीम का कार्यकलाप देख रहा है। ये देखकर बड़ा ही बेहुदा लगता है। पहले हाफ की तुलना में दूसरे हाफ में एक्शन डोज ज्यादा होता है। हर 10 मिनट में एक लड़ाई या पीछे करना वाला एपिसोड आता है और चला जाता है। इनमें से कुछ प्रभावशाली है जबकि अन्य खिंचाव की रतब लगाते हैं। ठंडा दृश्य में आने वाला एक्शन एपिसोड भी रूटीन है। जैसे कि सभी को उम्मीद थी, रिक्की ने धर्मा को समाप्त कर दिया है और मिशन रेबिट को विफल कर दिया। कहानी को एक लकी कार्ड मिलता है। अखिल का एक एजेंट की भूमिका में किए गए संघर्ष स्क्रीन पर हर फ्रेम में स्पष्ट है। सुरेंद्र रेड्डी ने उन्हें पर्दे पर स्टाइलिश लुक में प्रभावशाली ढंग से दिखाया है। समझाया जाता है कि फाइट सीन्स के लिए अखिल ने काफी मेहनत की गई है। एक्टिंग के मामले में वो काफी नए नजर आए। रॉ के प्रमुख के रूप में सौतन के रूप में ममूटी का प्रदर्शन फिल्म का मुख्य आकर्षण है। उनकी छवि और अनुभव ने भूमिका में और अधिक पूर्णता ला दी है।
डिनो मोरिया का खलनायक का चरित्रण नियमित है लेकिन कहानी में अच्छी तरह से सेट है। साक्षी वजह कुछ रोमांटिक दृश्य और दो या तीन गानों तक सीमित है। वास्तव में अखिल और उसके बीच की प्रेम ट्रैक कहानी को गतिरोधक लगता है। उस लव ट्रैक के बिना भी कहानी को कोई नुकसान नहीं होता। संपत राज, बड़े लक्ष्मी और शरद कुमार, मुरली शर्मा और अन्य की भूमिकाएं दायरे में है। सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित स्टाइलिश एक्शन फिल्मों में एजेंट का एक विशेष स्थान है। हालांकि कहानी को रोचक नहीं बनाया गया, दर्शकों द्वारा अपेक्षित ट्विस्ट और टर्न और रोमांचकारी क्षणों ने इस फिल्म के परिणाम को चोट पहुंचाई। रसूल द्वारा प्रदान किया गया पार्श्व संगीत फिल्म का एक अतिरिक्त आकर्षण बन गया, लेकिन गाने बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं है। रसूल एलोर की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, निर्माण मूल्य बहुत अधिक है। गौरव भाई थोड़ा नीचे ले रहे मोबाइल। Thank you.
ये भाई ये भाई
ए मोबाइल नीचे कर। थैंक यू।
आगे है, खाली है फोन। सर यहाँ पे सेंटर में भाई कंधे से हाथ मत सर, यहाँ पे सर से स्टार्ट थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा नहीं होता नहीं भाई लुक सेंटर थोड़ा सेंटर यहाँ पे यहाँ पे सर इधर सेंटर सर इधर सेंटर सेंटर थोड़ा इधर आला 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 सुंदर सेंटर सेंटर ले सेंटर ले बात सर बहुत की बात है सामने देखिए अभी ले सर सेंटर एक एक सब और आगे आगे होल्ड 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 चार किसका है मेरा चालू है ये भाई फोन ये बाबा ये कैमरा खाली है आप नीचे फोन
ये मोबाइल लेने आ तू नीचे का अरे हाथ तक उठा ला मेरे नहीं ना संभाला तो नहीं ना मैंने वो बेचारा हाथ ना कर दे थोड़ा नीचे रहना कैमरा ये आगे थोड़ा नीचे से फोन आ ये लो थोड़ा ला पास में अभी कार्ड तुम करो ओक्स भी एज बॉडी थोड़ा खाली खाली ना जाओ ना कर चलो उड़ेया 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 अंकिला जी सेंटर में देखिए अंकिला जी इधर अंकिता पुड़े 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 हाँ बस 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 सामने देखिए आप सेंटर में लोग सेंटर अंकिता जी सामने सेंटर में बस बस रहो हाँ दर्शकों के बीच भ्रम पैदा करता है कि ये रॉ चीफ है या बुरे आदमी
स्टुअर्ट हीरो अपने किरदार के लिए डबिंग भी करते हैं, जो अच्छी बात है। साक्षी वैद्य बहुत ही प्यारी लगती है और अखिल के साथ उनकी स्क्रीन टाइम बहुत ही कम है, लेकिन ये देखने लायक है। अखिल के प्रशंसकों के लिए पहला भाग एक दवात है, क्योंकि उनका किरदार अप्रत्याशित है। वो पागल है और पहले भाग में उसकी हरकतें मजेदार है। मंत्री जयदेव के साथ उनकी बातचीत और इंटरवल से पहले की लड़ाई की सीक्वेंस सीटी बजाने लायक है। माइनस पॉइंट्स, कहानी थोड़ी अनुमानित है। वक्त तंबामसी को कम से कम दूसरे घंटे में कहानी को आकर्षक तरीके से लिखने में उचित सावधानी बरतनी चाहिए थी। पहले भाग में अच्छी पटकथा, दूसरे भाग में धीमी गति से चलती है, इससे बोरियत महसूस होगी। दूसरा भाग कम के लिए एक बड़ी निराशा है, क्योंकि ये पहले भाग जितना आकर्षक नहीं है। क्लाइमैक्स वाला हिस्सा बहुत ही मूर्खतापूर्ण लगता है। दूसरे भाग में भावना तक हिस्सा अच्छा नहीं रहा। डीनो मोरिया द्वारा निभाया गया खलनायक का किरदार अच्छा है, लेकिन निर्देशक को ये बताने के लिए बेहतर कारण दिखाना चाहिए था कि वो भारत के खिलाफ क्यों है। साथ ही कई किरदारों का फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण के लिए इस फिल्म में वरलक्ष्मी शरद कुमार की कोई जरूरत नहीं है। मुरली शर्मा, अनिशा कुरुविल्ला और अन्य केवल कुछ दृश्य तक ही सीमित है। एक्शन सीक्वेंस अच्छे से डिजाइन किए गए हैं, लेकिन वीएफएक्स बहुत ही खराब है। और ईमानदारी से कहे तो कई मिड बजट फिल्मों में इससे बेहतर वीएफएक्स होता है। साथ ही गानों की प्लेसमेंट खराब है, ये बाधा बन जाते हैं। निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी अखिल की पूरी क्षमता का उपयोग करने में सफल रहे हैं। उन्होंने उन्हें बहुत ही अच्छे से दिखाया और अभिनेता के सामूहिक दृष्टिकोण को उजागर किया। हालांकि ये दूसरे भाग में कहानी को अच्छी तरह से बयान करने में विफल रहे, जिसे पहले भाग के अच्छे प्रदर्शन के बाद काफी आकर्षक होना चाहिए था। रसूल एलोर की सिनेमाटोग्राफी ठीक है और हिप हॉप तमीज़ का संगीत भी ठीक है। संपादन बेहतर हो सकता था और नवीन नोली को दूसरे भाग में कई अनावश्यक दृश्यों को काम करना चाहिए था। प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है। कुल मिलाकर अखिल स्टारर एजेंट एक औसत दर्जे की जासूसी थ्रिलर है। अखिल का प्रदर्शन और कुछ एक्शन सीक्वेंस फिल्म के लिए वरदान है। दूसरे भाग में खराब पटकथा, कुछ अति रंजित दृश्य और एक मूर्खतापूर्ण क्लाइमैक्स भाग आपको बोरियत का एहसास कराता है। अगर आप एक्शन मूवी के दीवाने हैं तो आप इस वीकेंड ये फिल्म देख सकते हैं। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर देख सकते हैं। एजेंट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, वो भी हिंदी में। रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल से दो आतंकवादियों को मारने के लिए एक असंभव मिशन की योजना बनाने के बारे में पूछताछ की गई, जहां महादेव ने खुलासा किया कि दोनों आतंकवादी जस्ट सिंडिकेट नामक एक निजी आतंकवादी संगठन के तहत काम कर रहे थे, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जय किशन और धर्म उपनाम भगवान। इस बीच रामकृष्ण रिकी उर्फ वाइल्ड साला एक महत्वाकांक्षी युवा है, जो कई असफल प्रयासों के बावजूद रॉ एजेंट बनना चाहता है। उसकी क्षमता को देखने के बाद महादेव रिकी को धर्म पर कब्जा करने के लिए एक नौ सीखिया के रूप में खुद को छिपाने के मिशन पर सौंपता है। ये पता चला कि धर्मा एक पूर्व रॉ एजेंट था, जो महादेव द्वारा उसकी प्रेमिका को मारने के लिए मजबूर करने के बाद दुष्ट हो गया था और अब सुपर सेल्स नामक एक घातक वायरस फैलाने की योजना बना रहा है। महादेव के साथ मुठभेड़ के दौरान वायरस युक्त उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाता है और एक तकनीकी समस्या उत्पन्न हो जाती है। रिकी बंदरगाह पर गोलीबारी में जय किशन को मार देता है और धर्मा के सिंडिकेट के अन्य संचालकों के बारे में जानने के लिए कश्मीर जाता है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और महादेव उसे रॉ एजेंट होने से इनकार करता है। ऐसा करने के तुरंत बाद रिकी धर्म की मदद से हिरासत से भाग जाता है। बाद में उसे पता चला कि रिकी की गिरफ्तारी रिकी और महादेव दोनों द्वारा धर्म के संचालन के बारे में जानने के लिए बनाई गई एक चाल थी। इस बीच वायरस युक्त डिवाइस को ठीक कर दिया जाता है और डिवाइस को उच्च बोला लगाने वाले को बेचने के लिए एक बैठक की व्यवस्था की जाती है, जिसके बारे में महादेव को रिकी से पता चलता है और वो उसे डिवाइस की एक प्रति प्राप्त करने का काम सौंपता है, जिसमें सभी के नाम और पहचान भी शामिल होती है। सीक्रेट रॉ एजेंट और सक्रिय रॉ एजेंट। धर्म का पता चलता है कि रिकी डिवाइस की नकल कर रहा है, जिस पर वो महादेव का सामना करता है और उसे खुद को गोली मारने के लिए मजबूर करता है या वो मिसाइलों के माध्यम से वायरस फैला देगा। महादेव रिकी को उसी गोली मारने के लिए कहता है जो वो अनिच्छा से करता है। रिकी धर्मा का पता लगाता है और उसे मार डालता है, साथ ही मिसाइलों को देश में वायरस छोड़ने से भी रोकता है। बाद में वो रैबिट फायर नामक एक नए मिशन पर निकल पड़ा। साउथ एक्टर अखिल अक्किनेनी की फिल्म एजेंट देखने से पहले जान लीजिए फिल्म का पूरा रिव्यू। प्रेम कहानियों का नाम अक्किनेनी परिवार के नायकों के नाम पर रखा गया है।
इसके अलावा नायक अखिल अब तक ऐसी कहानियों के साथ सफर करता रहा है। हेलो मिस्टर मजनू और मोस्ट एलिजिबल बैचलर फिल्मों से उन्होंने सिनेमा प्रेमियों के मन में लवर बॉय की छवि बना ली है, लेकिन अब अखिल एजेंट के साथ अपनी छवि के विपरीत एक मास एक्शन हीरो के रूप में मनोरंजन करने के लिए तैयार है। सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित ये एक स्टाइलिश स्पाई एक्शन थ्रिलर है। ममूटी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्मांकन में देरी के कारण कई बार स्थगित हुई फिल्म ने आखिरकार सिनेमाघरों में प्रवेश कर लिया है। और क्या है इस एजेंट की कहानी, इस फिल्म के लिए अखिल को 2 साल की मेहनत का क्या नतीजा निकला? रिकी उर्फ रामकृष्ण एक मिडिल क्लास लड़का है। वो जासूस बनने के उद्देश्य से रहता है। वही वजह है कि वो RA में शामिल होने के लिए 3 बार परीक्षा देता है, लेकिन हर बार इंटरव्यू में उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। अपने एथिकल हैकिंग कौशल के साथ ये सोचकर कि उसे आजमाने का कोई फायदा नहीं है, रॉ प्रमुख डेविल उर्फ महादेव सिस्टम को हैक कर लेता है और उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन रिक्की की बंदर की हरकतों को देखकर वो भी उसे रिजेक्ट कर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर भगवान उर्फ धर्म भारत को नष्ट करने के लिए मिशन रेबिट नामक चीन के साथ एक बड़ी साजिश रचता है। हालांकि महादेव अपने एजेंट की मदद से उनकी साजिश को विफल करने की कोशिश करते हैं और विफल हो जाते हैं, इसलिए वो दूसरी बार रिक्की को उस मिशन के लिए तैनात करता है और महादेव ने रिक्की को जिस रॉ के लिए काम नहीं करने के कारण अलग कर दिया गया था उतने बड़े मिशन के लिए मैदान में क्यों उतारा। रिक्की ने अपने आदेशों को दरकिनार कर कौन से जोखिम मिल लिए, उनके असली जासूस बनने के लक्ष्य के पीछे क्या प्रबल कारण था, कैसे रॉ को मिशन रेबिट वैद्य के साथ उनके रोमांस का क्या हुआ, इस कहानी के केंद्रीय मंत्र जय किशन क्या है, वो बाकी कहानी है। ये एक जासूसी एक्शन थ्रिलर है जो देशभक्ति की पृष्ठभूमि पर आधारित है। मुख्य रूप से ये 3 रॉ एजेंटों के बीच की लड़ाई है। यदि उनमें से एक देश को नष्ट करने के उद्देश्य काम कर रहा है तो वही दिलचस्प है कि अन्य 2 साजिश को रोकने के लिए कैसे लड़े। हाल ही में रिलीज हुई पठान भी इसी तरह की कहानी है, लेकिन इस फिल्म में जितने एक्शन और थ्रिलिंग एलिमेंट से ये फिल्म नदारद है। दरअसल इस तरह की जासूसी एक्शन थ्रिलर में कहानी बस एक छोटी सी लाइन होती है। एक्शन और रोमांचकारी क्षण अधिक महत्वपूर्ण है। फिल्म की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें कितना दिलचस्प बनाया गया है। इस लिहाज से रेजेंट उम्मीद के मुताबिक प्रभावित नहीं कर पाया। फिल्म दिलचस्प तरीके से शुरू होती है जब रिक्की द्वारा महादेव की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वहां से कहानी रिक्की के वॉइस ओवर के साथ आगे बढ़ती है। ड्रीम एजेंट के रूप में अखिल की एंट्री फाइट प्रभावशाली है। रिक्की के जासूस बनने की प्रयासों के साथ पहले 55 मिनट, फिर वैद्य के साथ प्रेम प्रसंग के साथ एक और 20 मिनट के लिए फिल्म स्पष्ट रूप से चलती है। कहानी को उस दृश्य के साथ एक और बढ़ावा मिलता है जहां रिक्की केंद्रीय मंत्री जय किशन के घर जाता है और वैद्य को परेशान करने की चेतावनी देता है। भगवान का मिशन खरगोहो भारत को नष्ट करना शुरू कर रहा है। फिल्म गति पकड़ती है क्योंकि उसे रोकने के लिए महादेव और रिक्की को लाया जाता है। ब्रेक से पहले 20 लुक के साथ अखिल का एक्शन उमद, जिस तरह से वो महादेव के आदेशों की अनदेखी करता है और जय किशन का ग्रह हो खड़ा करता है, वो मनोरंजक है। उसके साथ ही दिलचस्प ये देखने लगती है कि सेकेंड हाफ में क्या होगा, लेकिन उसके बाद से लगता है कि कहानी पूरी तरह से खो गई है। वास्तव में रॉ द्वारा चलाए जाने वाले ऑपरेशन जिस तरह से वो दुश्मनों की साजिश को तोड़ते हैं, वो बहुत ही रीचक और रोचक अकल्पनीय है। उस सिस्टम की पूरी कार्य प्रणाली एक माइंड गेम की तरह होती है, लेकिन इसमें उसे प्रभावी ढंग से नहीं दिखाया जा सका। कुछ एपिसोड्स को देखकर लगता है कि फिल्म रॉ के असल परफॉर्मेंस पर बिना कोई रिसर्च किए बनाई गई थी। वीडियो में विलन अपने ऑफिस में बैठकर रॉ टीम का कार्यकलाप देख रहा है। ये देखकर बड़ा ही बेहुदा लगता है। पहले हाफ की तुलना में दूसरे हाफ में एक्शन डोज ज्यादा होता है।
हर 10 मिनट में एक लड़ाई या पीछे करना वाला एपिसोड आता है और चला जाता है। इनमें से कुछ प्रभावशाली है जबकि अन्य खिंचाव की रतब लगाते हैं। ठंडा दृश्य में आने वाला एक्शन एपिसोड भी रूटीन है। जैसे कि सभी को उम्मीद थी रिकी ने धर्मा को समाप्त कर दिया है और मिशन रेबिट को विफल कर दिया, कहानी को एक लकी कार्ड मिलता है। अखिल का एक एजेंट की भूमिका में किए गए संघर्ष स्क्रीन पर हर फ्रेम में स्पष्ट है। सुरेंद्र रेड्डी ने उन्हें पर्दे पर स्टाइलिश लुक में प्रभावशाली ढंग से दिखाया है। समझाया जाता है कि फाइट सीन्स के लिए अखिल ने काफी मेहनत की गई है। एक्टिंग के मामले में वो काफी नए नजर आए। रॉ के प्रमुख के रूप में सौतन के रूप में ममूटी का प्रदर्शन फिल्म का मुख्य आकर्षण है। उनकी छवि और अनुभव ने भूमिका में और अधिक पूर्णता ला दी है। दिनो मोरिया का खलनायक का चरित्रण नियमित है लेकिन कहानी में अच्छी तरह से सेट है। साक्षी वजह कुछ रोमांटिक दृश्य और दो या तीन गानों तक सीमित है। वास्तव में अखिल और उसके बीच की प्रेम ट्रैक कहानी को गतिरोधक लगता है। उस लव ट्रैक के बिना भी कहानी को कोई नुकसान नहीं होता। संपत राज, बड़े लक्ष्मी और शरद कुमार, मुरली शर्मा और अन्य की भूमिकाएं दायरे में है। सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित स्टाइलिश एक्शन फिल्मों में एजेंट का एक विशेष स्थान है। हालांकि कहानी को रोचक नहीं बनाया गया, दर्शकों द्वारा अपेक्षित ट्विस्ट और टर्न और रोमांचक अडिशनों ने इस फिल्म के परिणाम को चोट पहुंचाई। रसूल द्वारा प्रदान किया गया पार्श्व संगीत फिल्म का एक अतिरिक्त आकर्षण बन गया, लेकिन गाने बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं है। रसूल एलोर की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, निर्माण मूल्य बहुत अधिक है। अखिल अक्किनेनी की फिल्म एजेंट देखने से पहले यह जाने पूरा रिव्यू वो भी हिंदी में और जाने किस ओटीटी पर देखे इस फिल्म को। पी रामकृष्णा उर्फ रिकी एक अति सक्रिय युवा है जो जासूस बनना चाहता है लेकिन रॉ द्वारा 3 बार खारिज कर दिया जाता है। इसलिए वो रॉ प्रमुख महादेव उर्फ द डेविल के सिस्टम को हैक कर लेता है ताकि वो उसकी नजर में आ सके। अंत में शैतान उसे गुप्त रूप से भगवान की कार्य योजना का पता लगाने के मिशन पर नियुक्त करता है जिसने भारत को नष्ट करने के लिए कुछ बड़ा प्लान किया था। भगवान कौन है, शैतान के साथ उसका क्या रिश्ता है, क्या विक्की ने उसे ढूंढ लिया और उसके मिशन को रोक दिया, आगे क्या हुआ, फिल्म में सभी जवाब है। अखिल अक्किनेनी को निभाने के लिए एक शानदार भूमिका मिली है। उनके किरदार को निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी ने बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया है जो अखिल की पिछली भूमिकाओं से बिल्कुल अलग है। उनका अभिनय खास तौर पर एक्शन सीक्वेंस में बड़े पर्दे पर देखने लायक है। अखिल को इस तरह के अलग अलग किरदार में देखना प्रशंसकों के लिए किसी दावत से कम नहीं है। सुरेंद्र रेड्डी ने अखिल में एक बेहतरीन डांसर की भूमिका भी निभाई है। अखिल के प्रयास और भूमिका के लिए उनका रूपांतरण सराहनीय है। मलयालम मेगास्टार ममूटी को एक अच्छी भूमिका मिली है। उनका किरदार दर्शकों के बीच भ्रम पैदा करता है कि ये रॉ चीफ है या बुरे आदमी। स्टुअर्ट हीरो अपने किरदार के लिए डबिंग भी करते हैं जो अच्छी बात है। साक्षी वैद्य बहुत ही प्यारी लगती है और अखिल के साथ उनकी स्क्रीन टाइम बहुत ही कम है लेकिन ये देखने लायक है। अखिल के प्रशंसकों के लिए पहला भाग एक दवात है क्योंकि उनका किरदार अप्रत्याशित है, वो पागल है और पहले भाग में उसकी हरकतें मजेदार है। मंत्री जयदेव के साथ उनकी बातचीत और इंटरवल से पहले की लड़ाई की सीक्वेंस सीटी बजाने लायक है। माइनस पॉइंट्स, कहानी थोड़ी अनुमानित है। वक्त तंबामसी को कम से कम दूसरे घंटे में कहानी को आकर्षक तरीके से लिखने में उचित सावधानी बरतनी चाहिए थी। पहले भाग में अच्छी पटकथा दूसरे भाग में धीमी गति से चलती है, इससे बोरियत महसूस होगी। दूसरा भाग फिल्म के लिए एक बड़ी निराशा है क्योंकि ये पहले भाग जितना आकर्षक नहीं है। क्लाइमैक्स वाला हिस्सा बहुत ही मूर्खतापूर्ण लगता है। दूसरे भाग में भावना तक हिस्सा अच्छा नहीं रहा। डीनो मोरिया द्वारा निभाया गया खलनायक का किरदार अच्छा है लेकिन निर्देशक को ये बताने के लिए बेहतर कारण दिखाना चाहिए था कि वो भारत के खिलाफ क्यों है। साथ ही कई किरदारों का फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण के लिए इस फिल्म में बड़ी लक्ष्मी शरद कुमार की कोई जरूरत नहीं है। मुरली शर्मा, अनिशा कुरुविल्ला और अन्य केवल कुछ दृश्य तक ही सीमित है। एक्शन सीक्वेंस अच्छे से डिजाइन किए गए हैं लेकिन वीएफएक्स बहुत ही खराब है और ईमानदारी से कहे तो कई मिड बजट फिल्मों में इससे बेहतर वीएफएक्स होता है। साथ ही गानों की प्लेसमेंट खराब है, ये बाधा बन जाते हैं। निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी अखिल की पूरी क्षमता का उपयोग करने में सफल रहे हैं। उन्होंने उन्हें
बहुत ही अच्छे से दिखाया और अभिनेता के सामूहिक दृष्टिकोण को उजागर किया। हालांकि ये दूसरे भाग में कहानी को अच्छी तरह से बयान करने में विफल रहे, जिसे पहले भाग के अच्छे प्रदर्शन के बाद काफी आकर्षक होना चाहिए था। रसूल एलोर की सिनेमाटोग्राफी ठीक है और हिप हॉप तमीज़ का संगीत भी ठीक है। संपादन बेहतर हो सकता था और नवीन नोली को दूसरे भाग में कई अनावश्यक दृश्यों को काम करना चाहिए था। प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है। कुल मिलाकर अखिल स्टारर एजेंट एक औसत दर्जे की जासूसी थ्रिलर है। अखिल का प्रदर्शन और कुछ एक्शन सीक्वेंस फिल्म के लिए वरदान है। दूसरे भाग में खराब पटकथा, कुछ अति रंजित दृश्य और एक मूर्खतापूर्ण क्लाइमैक्स भाग आपको बोरियत का एहसास कराता है। अगर आप एक्शन मूवी के दीवाने हैं तो आप इस वीकेंड ये फिल्म देख सकते हैं। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर देख सकते हैं। एजेंट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी वो भी हिंदी में। रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल से दो आतंकवादियों को मारने के लिए एक असंभव मिशन की योजना बनाने के बारे में पूछताछ की गई, जहां महादेव ने खुलासा किया कि दोनों आतंकवादी जस्ट सिंडिकेट नामक एक निजी आतंकवादी संगठन के तहत काम कर रहे थे, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जय किसान और धर्म उपनाम भगवान। इस बीच रामकृष्ण रिकी उर्फ वाइल्ड साला एक महत्वाकांक्षी युवा है जो कई असफल प्रयासों के बावजूद रॉ एजेंट बनना चाहता है। उसकी क्षमता को देखने के बाद महादेव रिकी को धर्म पर कब्जा करने के लिए एक नौसिखिया के रूप में खुद को छिपाने के मिशन पर सौंपता है। ये पता चला कि धर्मा एक पूर्व रॉ एजेंट था जो महादेव द्वारा उसकी प्रेमिका को मारने के लिए मजबूर करने के बाद दुष्ट हो गया था और अब सुपर सेल्स नामक एक घातक वायरस फैलाने की योजना बना रहा है। महादेव के साथ मुठभेड़ के दौरान वायरस युक्त उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाता है और एक तकनीकी समस्या उत्पन्न हो जाती है। रिकी बंदरगाह पर गोलीबारी में जय किसान को मार देता है और धर्मा के सिंडिकेट के अन्य संचालकों के बारे में जानने के लिए कश्मीर जाता है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और महादेव उसे रॉ एजेंट होने से इनकार करता है। ऐसा करने के तुरंत बाद रिकी धर्म की मदद से हिरासत से भाग जाता है। बाद में उसे पता चला कि रिकी की गिरफ्तारी रिकी और महादेव दोनों द्वारा धर्म के संचालन के बारे में जानने के लिए बनाई गई एक चाल थी। इस बीच वायरस युक्त डिवाइस को ठीक कर दिया जाता है और डिवाइस को उच्च बोला लगाने वाले को बेचने के लिए एक बैठक की व्यवस्था की जाती है, जिसके बारे में महादेव को रिकी से पता चलता है और वो उसे डिवाइस की एक प्रति प्राप्त करने का काम सौंपता है, जिसमें सभी के नाम और पहचान भी शामिल होती है। सीक्रेट रॉ एजेंट और सक्रिय रॉ एजेंट। धर्म का पता चलता है कि रिकी डिवाइस की नकल कर रहा है, जिस पर वो महादेव का सामना करता है और उसे खुद को गोली मारने के लिए मजबूर करता है या वो मिसाइलों के माध्यम से वायरस फैला देगा। महादेव रिकी को उसी गोली मारने के लिए कहता है जो वो अनिच्छा से करता है। रिकी धर्मा का पता लगाता है और उसे मार डालता है, साथ ही मिसाइलों को देश में वायरस छोड़ने से भी रोकता है। बाद में वो रैबिट फायर नामक एक नए मिशन पर निकल पड़ा। साउथ एक्टर अखिल अक्किनेनी की फिल्म एजेंट देखने से पहले जान लीजिए फिल्म का पूरा रिव्यू। प्रेम कहानियों का नाम अक्किनेनी परिवार की नायकों के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा नायक अखिल अब तक ऐसी कहानियों के साथ सफर करता रहा है। हेलो मिस्टर मजनू और मोस्ट एलिजिबल बैचलर फिल्मों से उन्होंने सिनेमा प्रेमियों के मन में लवर बॉय की छवि बना ली है, लेकिन अब अखिल एजेंट के साथ अपनी छवि के विपरीत एक मास एक्शन हीरो के रूप में मनोरंजन करने के लिए तैयार है। सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित ये एक स्टाइलिश स्पाई एक्शन थ्रिलर है। ममूटी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्मांकन में देरी के कारण कई बार स्थगित हुई फिल्म ने आखिरकार सिनेमाघरों में प्रवेश कर लिया है। और क्या है इस एजेंट की कहानी? इस फिल्म के लिए अखिल को 2 साल की मेहनत का क्या नतीजा निकला? रिकी उर्फ रामकृष्ण एक मिडिल क्लास लड़का है। वो जासूस बनने के उद्देश्य से रहता है। वही वजह है कि वो RA में शामिल होने के लिए 3 बार परीक्षा देता है, लेकिन हर बार इंटरव्यू में उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। अपने एथिकल हैकिंग कौशल के साथ ये सोचकर कि उसे आजमाने का कोई फायदा नहीं है, रॉ प्रमुख डेविल उर्फ महादेव सिस्टम को हैक कर लेता है और उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन रिकी की बंदर की हरकतों को देखकर वो भी उसे रिजेक्ट कर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर
भगवान और धर्म भारत को नष्ट करने के लिए मिशन रेबिट नामक चीन के साथ एक बड़ी साजिश रचता है। हालांकि महादेव अपने एजेंट की मदद से उनकी साजिश को विफल करने की कोशिश करते हैं और विफल हो जाते हैं, इसलिए वो दूसरी बार रिकी को उस मिशन के लिए तैनात करता है और महादेव ने रिकी को जिस रॉ के लिए काम नहीं करने के कारण अलग कर दिया गया था उतने बड़े मिशन के लिए मैदान में क्यों उतारा। रिकी ने अपने आदेशों को दरकिनार कर कौन से जोखिम लिए, उनके असली जासूस बनने के लक्ष्य के पीछे क्या प्रबल कारण था, कैसे रॉ को मिशन रेबिट वैद्य के साथ उनके रोमांस का क्या हुआ, इस कहानी के केंद्रीय मंत्र जय किशन क्या है, वो बाकी कहानी है। ये एक जासूसी एक्शन थ्रिलर है जो देशभक्ति की पृष्ठभूमि पर आधारित है। मुख्य रूप से ये तीन रॉ एजेंटों के बीच की लड़ाई है। यदि उनमें से एक देश को नष्ट करने के उद्देश्य काम कर रहा है तो वही दिलचस्प है कि अन्य दो साजिश को रोकने के लिए कैसे लड़े। हाल ही में रिलीज हुई पठान भी इसी तरह की कहानी है, लेकिन इस फिल्म में जितने एक्शन और थ्रिलिंग एलिमेंट से ये फिल्म नदारद है। दरअसल इस तरह की जासूसी एक्शन थ्रिलर में कहानी बस एक छोटी सी लाइन होती है, एक्शन और रोमांचकारी क्षण अधिक महत्वपूर्ण है। फिल्म की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें कितना दिलचस्प बनाया गया है। इस लिहाज से रेजेंट उम्मीद के मुताबिक प्रभावित नहीं कर पाया। फिल्म दिलचस्प तरीके से शुरू होती है जब रिकी द्वारा महादेव की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वहां से कहानी रिकी के वॉइस ओवर के साथ आगे बढ़ती है। ड्रीम एजेंट के रूप में अखिल की एंट्री फाइट प्रभावशाली है। रिकी के जासूस बनने की प्रयासों के साथ पहले 55 मिनट, फिर वैद्य के साथ प्रेम प्रसंग के साथ एक और 20 मिनट के लिए फिल्म स्पष्ट रूप से चलती है। कहानी को उस दृश्य के साथ एक और बढ़ावा मिलता है जहां रिकी केंद्रीय मंत्री जय किशन के घर जाता है और वैद्य को परेशान करने की चेतावनी देता है। भगवान का मिशन खरगोहो भारत को नष्ट करना शुरू कर रहा है। फिल्म गति पकड़ती है क्योंकि उसे रोकने के लिए महादेव और रिकी को लाया जाता है। ब्रेक से पहले बीस्ट लुक के साथ अखिल का एक्शन उमद, जिस तरह से वो महादेव के आदेशों की अनदेखी करता है और जय किशन का गिरोह खड़ा करता है, वो मनोरंजक है। उसके साथ ही दिलचस्पी ये देखने लगती है कि सेकेंड हाफ में क्या होगा, लेकिन उसके बाद से लगता है कि कहानी पूरी तरह से खो गई है। वास्तव में रॉ द्वारा चलाए जाने वाले ऑपरेशन जिस तरह से वो दुश्मनों की साजिश को तोड़ते हैं, वो बहुत ही रीचक और रोचक अकल्पनीय है। उस सिस्टम की पूरी कार्य प्रणाली एक माइंड गेम की तरह होती है, लेकिन इसमें उसे प्रभावी ढंग से नहीं दिखाया जा सका। कुछ एपिसोड्स को देखकर लगता है कि फिल्म रॉ के असल परफॉर्मेंस पर बिना कोई रिसर्च किए बनाई गई थी। वीडियो में विलन अपने ऑफिस में बैठकर रॉ टीम का कार्यकलाप देख रहा है, ये देखकर बड़ा ही बेहुदा लगता है। पहले हाफ की तुलना में दूसरे हाफ में एक्शन डोज ज्यादा होता है। हर 10 मिनट में एक लड़ाई या पीछे करना वाला एपिसोड आता है और चला जाता है। इनमें से कुछ प्रभावशाली है जबकि अन्य खिंचाव की रतब लगाते हैं। ठंडा दृश्य में आने वाला एक्शन एपिसोड भी रूटीन है। जैसे कि सभी को उम्मीद थी, रिकी ने धर्मा को समाप्त कर दिया है और मिशन रेबिट को विफल कर दिया। कहानी को एक लकी कार्ड मिलता है। अखिल का एक एजेंट की भूमिका में किए गए संघर्ष स्क्रीन पर हर फ्रेम में स्पष्ट है। सुरेंद्र रेड्डी ने उन्हें पर्दे पर स्टाइलिश लुक में प्रभावशाली ढंग से दिखाया है। समझाया जाता है कि फाइट सीन्स के लिए अखिल ने काफी मेहनत की गई है। एक्टिंग के मामले में वो काफी नए नजर आए। रॉ के प्रमुख के रूप में सौतन के रूप में ममूटी का प्रदर्शन फिल्म का मुख्य आकर्षण है। उनकी छवि और अनुभव ने भूमिका में और अधिक पूर्णता ला दी है। डिनो मोरिया का खलनायक का चरित्रण नियमित है, लेकिन कहानी में अच्छी तरह से सेट है। साक्षी वैद्य कुछ रोमांटिक दृश्य और दो या तीन गानों तक सीमित है। वास्तव में अखिल और उसके बीच की प्रेम ट्रैक कहानी को गतिरोधक लगता है। उस लव ट्रैक के बिना भी कहानी को कोई नुकसान नहीं होता। संपत राज, बड़े लक्ष्मी और शरद कुमार, मुरली शर्मा और अन्य की भूमिकाएं दायरे में है। सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित स्टाइलिश एक्शन फिल्मों में एजेंट का एक विशेष स्थान है।
हालांकि कहानी को रोचक नहीं बनाया गया। दर्शकों द्वारा अपेक्षित ट्विस्ट और टर्न और रोमांचक अडिशनों ने इस फिल्म के परिणाम को चोट पहुंचाई। रसूल द्वारा प्रदान किया गया पार्श्व संगीत फिल्म का एक अतिरिक्त आकर्षण बन गया, लेकिन गाने बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं है। रसूल एलोर की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, निर्माण मूल्य बहुत अधिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल कसीज मैम। थैंक यू। किस तरीके की जर्नी चल रही है, काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है, अब फाइनली नए शो में चेहरा दिखाई दे रहा है, कैसा रहा? उतार चढ़ाव तो नहीं कहेंगे, आई हैव बीन ब्लेस्ड कि आई एम डूइंग ऑल द शोज वन आफ्टर द अदर। नया शो कर रही हूँ सुहागन आफ्टर आंगन, सो इट्स ऑलवेज अ न्यू जर्नी, बहुत अच्छा लग रहा है। ऑफकोर्स तो एक नया कैरेक्टर, एक नया किरदार जिसको हम कह सकते हैं, वो इट्स ऑलवेज अ गुड न्यूज़। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा आंगन जिस तरीके से पॉपुलैरिटी थी उसकी अचानक से बंद हो गया, काफ़ी शॉकिंग रहा, कुछ बताना चाहें उसके बारे में, क्या कुछ रहा कि एक्चुअली ये आई थिंक इट्स बिकम अ ट्रेंड फाइनाइट शोज़ का या ऐसे, ये फाइनाइट शो नहीं था, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। इंटरनली आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग, बट इसका दुख हम सबको है कि जल्दी चला गया। कुछ भी उसके रीजंस रहे, चाहे TRP, चाहे वट एवर, बट हाँ अनफॉर्चुनेट था। इसके आगे तो इट्स ऑल चैनल्स डिसीजन, द प्रोडक्शन हाउसेज डिसीजन। एज एन एक्टर आप कोई भी शो जाता है आपका, चाहे वो छः महीने में जाए चाहे एक साल बाद जाए, आप कनेक्टेड इतना हो जाते हैं अपने कैरेक्टर से, आसपास के लोगों से, आप एक फैमिली बन जाते हैं, तो दुख हमेशा ही होता है। मैं साथ ही साथ ये भी जानूंगी, फिल्में कर चुके हैं आप, फाइनली अपने शो में नज़र आ रही हैं, ऐसा कोई कैरेक्टर रहा हो जो कि आप शुरू से ही प्ले करना चाहें बट अभी तक नहीं हुआ है? आई थिंक मैंने हर टाइप के कैरेक्टर्स किए हैं, तो ऐसा आई हैव नेवर लुक फॉरवर्ड कि वो ये करती, हमेशा जो मैंने किया है आई हैव बीन क्वाइट इनटू इट कि उसका मैं बेस्ट दे पाऊँ, जो मिला उसका बेस्ट दे पाऊँ। तो मैंने बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स किए, नेगेटिव, पॉजिटिव, कॉमेडी, सो या आई हैव इन्जॉयड एवरीथिंग। बहुत सोशल मीडिया बढ़ने के कारण कई एक्टर ऐसे भी रहे कि जिनको काम भी नहीं मिला है, बट OTT आने के बाद मेनी प्लेटफॉर्म ओपन टू एक्टर, उसे आप किस तरीके से देखती हैं? पॉजिटिवली, बहुत अच्छा है, सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं, टेक्नीशियंस के लिए, हर फील्ड में जितना जितना आपका ये वास्ट होता जा रहा है, चाहे OTT है, फिल्म हैं, शॉर्ट फिल्म हैं, यूट्यूब है, सीरियल्स हैं, तो सबको चांस मिल पा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चांस मिल रहा है, विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग मेरे हिसाब से। मैम ये भी साथ ही साथ ये भी जानना चाहूँगी, फिल्में तो आपने की हैं बट अब भी कोई ऐसी फिल्म है जो पर्टिकुलर एक्टर के साथ आप परफॉर्म करना चाहें या फिर उनकी फिल्मों में परफॉर्म करना चाहें आप? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बहुत ही नेचुरली आपको आती है, जो चीज़ें बहुत डीप रूटेड होती हैं, जैसे ऑटोबायोग्राफी है, ये एक चीज़ मुझे लगती है कि बहुत डिफ़िकल्ट होती है। आई वुड लाइक टू डू समबडीज ऑटोबायोग्राफी समडे, एंड ऑफकोर्स ऐसे कोई पर्टिकुलर एक्टर नहीं है कि मुझे इनके साथ काम करना ही करना है, बिकॉज आई एडमायर अ लॉट ऑफ एक्टर्स अदरवाइज, बहुत है हमारी इंडस्ट्री में जो कि रिकग्निशन भी नहीं मिली काफ़ी लोगों को। इट्स नॉट अबाउट देम दैट आई वॉन्ट टू वर्क विद, इट्स अबाउट what I want to do as an actor. So, yes. मैम आपसे एक बात जाननी थी, जैसे कि टेलीविज़न पे ऐसे कई को स्टार होते हैं जो कि आपस में ही अफेयर उनके स्टार्ट हो जाते हैं, कई ज़्यादा उनके अफेयर की वजह से वो TV शो पे भी इफ़ेक्ट करता है, अब ऐसा भी रूल निकल गया है कि कोई भी स्टार कास्ट आपस में अफेयर नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें अलाउ नहीं रहेगा, तो ये लागू करना क्या किसी हद तक सही है, क्योंकि बहुत ऐसे हैं जो इसे नाम में भी ले रहे हैं बट हाँ में भी ले रहे हैं? आई डोंट थिंक सो, ये एक पर्सनल डिसीजन है, हर इंसान को अपने इंडिविजुअल डिसीजन लेने का हक है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं जहाँ पे आप ये रूल किसी पे नहीं डाल सकते कि इट्स एन इमोशन, आप वो कैसे कंट्रोल कर सकते, बट येस एट द सेम टाइम
आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए. आपको ईमानदार होना पड़ेगा अपने अपने, चाहे वो प्रोफेशनल करियर हो चाहे वो आपका पर्सनल हो, तो वो कोई भी चीज़ हैम्पर नहीं करनी चाहिए, ना ही आपका प्रोफेशनल लाइफ आपकी पर्सनल लाइफ को हैम्पर करनी चाहिए, ना ही लाइक वाइस वर्सा. सो नोबडी इज़ नोबडी टू टेल यू व्हाट टू डू. इट शुड बी योर पर्सनल डिसीजन, कीपिंग इन माइंड कि नुकसान किसी का ना. स्वागन की बात करें तो स्वागन में किस तरीके के कैरेक्टर हैं और कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए अनदर कैरेक्टर से ज़्यादा? सो अभी तो शुरुआत है क्योंकि अभी वापस से रीस्टार्ट हो रहा है. सो इट्स टू अर्ली टू कमेंट. यस फॉर मी इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन कलर्स. मुझे कलर्स के साथ मैंने आज तक काम नहीं किया. मौके आए बट समहाउ दे डिड नॉट वर्क, या ऐसे टाइम पे आए जब मैं ऑलरेडी शोज ले चुकी थी. सो एक तो सेम प्रोडक्शन हाउस रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स, माय फोर्थ शो विद देम, मेरे लिए वो एक घर जैसी बात है. द कंफर्ट लेवल इज़ देयर एंड ऑफ कोर्स ये चैलेंजिंग होता है जब आपका एक शो इतना साल चल जाए, तो एक आप जब उसमें स्टेप करते तो इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग. तो आई एम वेटिंग जैसे जैसे मेरा कैरेक्टर अनफोल्ड होगा, वॉट इज़ देयर फॉर मी इन स्टोर, मुझे भी उसका इंतज़ार है. अभी तो इतना ही कह सकती. लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे फैंस को, अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है? मेरा अपकमिंग शो है सुहागन ऑन कलर्स, ये शाम को 6:30 बजे आता है. प्लीज़ इसे देखिए, अच्छा लगे तो उसे सराहिए, क्योंकि आपके जो भी कमेंट्स होते हैं, आपका प्यार, उससे काफ़ी इंकरेजमेंट मिलता है टू डू बेटर. सो थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट यू हैव बीन गिवन, यू हैव बीन गिविंग मी ऑल दिस टाइम्स एंड ऑल दिस वाइल. एंड मैं भी कोशिश करूँगी कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरी उतरूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. चलो ओके. हां ओके. नए शो में नए कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है आपके, तो किस तरीके के रिस्पॉन्स फैमिली फ्रेंड ऑडियंस के मिल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? रिस्पॉन्स तो अच्छा ही है, जैसे बिकॉज ये 3 days a week शो है, वेब शो है, तो मतलब डिपेंडिंग ऑन द स्टोरी रिस्पॉन्स आता है, लोग टैग करते हैं, पोस्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है. एंड मेरा फर्स्ट वेब शो है ये, सो मैं यू नो आई वाज एनीवेज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. आपके शो के बारे में बात करें राज सिंघानिया, तो किस तरीके के कैरेक्टर हैं, उसके बारे में बताना चाहेंगे? राय सिंघानी, वैसे राय सिंघानी में मैं इंडियन क्रिकेट टीम का प्लेयर हूँ, मतलब वन ऑफ द टॉप क्रिकेटर्स ऑफ द कंट्री, और मैं एक क्रिकेट लीग का कैप्टन भी हूँ. सो शो के स्टार्ट में कैसे मुझे फंसाने की कोशिश की जाती है, एक लड़की मुझ पे झूठा केस कर देती है ताकि मेरा नाम ख़राब हो, और यू नो काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग मी, वैसी सिचुएशन थी. तो वो स्टोरी तो अपनी चली गई है अभी, पर उसने जो केस फाइल किया था वो वापस हमें रीओपन करना पड़ता है बिकॉज मुझे बेल मिली होती है. सो आई एम स्टिल नॉट यू नो फ्री फ्रॉम दैट केस. सो अभी मेरी स्टोरी राय सिंघानी में वही चल रही है कि कैसे मैं यू नो प्रूफ करता हूँ कि मैं इनोसेंट हूँ, और ये पूरा एक ट्रैप था, सेटअप था, मतलब बिकॉज मैं इंडियन क्रिकेट टीम का प्लेयर हूँ तो मुझे फंसाने का पूरा सेटअप था. तो मेरी वो जर्नी है एंड तक कि यू नो ये केस से मैं कैसे फ्री होऊंगा, क्या था, व्हाट्स द ट्रूथ, ये सब क्यों था, यू नो इसके पीछे का मोटिव क्या था, एंड हाउ इट्स कनेक्टेड टू द मेन स्टोरी. हर शो में मतलब जो मैंने जिस तरह के कैरेक्टर किए हैं सब एक दूसरे से बहुत डिफरेंट रहे हैं, तो हर कैरेक्टर एक अलग ही एक्सपीरियंस है बिकॉज यू नो मुझे एक अलग ही इंसान बनने का मौका मिल रहा है, मैं एक अलग सी लाइफ जी रहा हूँ. और नॉर्मली जब भी मैं कोई रोल करता हूँ तो वो कैरेक्टर मेरे साथ इतना अटैच हो जाता है कि 24/7 यू नो वो उसकी हमेशा एक रिफ्लेक्शन मेरे अंदर रहती है. सो हर शो का मेरा एक अलग एक्सपीरियंस था, किसी में मैं कॉप था, किसी में मैं कॉप, हाँ एक्चुअली कॉप मैं इनफैक्ट 3-4 बार कर चुका हूँ, पर हर बार मैं अलग अलग टाइप के कॉप किए, कोई सीरियस था, कोई थोड़ा दबंग वाले मूड में था.
सो एक्सपीरियंस सब में अच्छा था। अभी रिसेंटली भी मैंने एक शो किया था जिसमें अगेन मैं कॉप था, पर इस टाइम मैं प्योर ही प्रोफेशनल सीरियस कॉप था जो इन्वेस्टिगेट करता है। आई मीन स्टार भारत के लिए जो शो था जो रैप अप हो गया। आई थिंक मुझे जो मैं अभी तक नहीं मुझे मिला है एक आउट एंड आउट कॉमेडी रोल मैं करना चाहता हूँ, जैसे सब टीवी पे आते हैं और यू नो उस तरह के जो शोज़ होते हैं जो पूरे कॉमेडी बेस्ड होते हैं फुल ऑफ एनर्जी, सो वैसा मैं रोल करना चाहूँगा। बट लेट्स सी, आई मीन वैसे शोज़ कम ही बनते हैं। कॉमेडियन एक्टर ऐसा नहीं, बट मेरे ऑल टाइम फेवरेट आइल से जॉनी लीवर, मतलब उनके तो मैं कोई भी सीन उठा के देख लूँ किसी भी मूवी में तो मुझे यू नो हमेशा ही बहुत ही एंटरटेनिंग लगे उनके सीन्स। बाकी टेलीविज़न में कॉमेडी के लिए मतलब मैं ऐसा कोई पर्टिकुलर एक्टर का तो नाम नहीं लूँगा, बिकॉज आई डोंट नो, यहाँ पे शायद मे बी बहुत स्क्रिप्ट बेस्ड होता है और सिचुएशन बेस्ड होता है, बट ऑल ओवर आई विल से आई मीन समवन लाइक जॉनी लीवर, यू नो दोज़ काइंड ऑफ सीन्स। OTT is मतलब इज अ गुड, आई मीन दे आर गुड प्लेटफॉर्म्स ऑन OTT और वहाँ पे एक्चुअली क्वालिटी वाला काम होता है, मतलब कंपेयर टू ठीक है TV शो में कोई एक शो में हम जाते हैं तो वो कितना लंबा चलेगा पता नहीं, बट OTT में एज एन एक्टर वी हैव अ क्लैरिटी कि हाँ मतलब यू नो ये मेरा कैरेक्टर है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म होगी स्टोरी। सो एंड क्रिएटिवली एंड क्वालिटी वाइज इट्स बेटर देन TV आई वुड से। So this, like working in my first OTT show, this Rai Singhani versus Rai Singhani on Sony Live. So I had a great experience in it. और मैं चाहूँगा कि और भी OTT shows करूँ. Of course TV, I love doing TV. I mean वो एक अलग ही medium है. But OTT is another level. रियलिटी शोज़ खतरों के खिलाड़ी ऑफ़ कोर्स, बिकॉज वो एक फिजिकल एंड मेंटल कॉम्पिटिशन बेस्ड शो है, सो ऑफ़ कोर्स आई वुड लव टू डू दैट। बिग बॉस इज़ आई मीन पहले मुझे लगता था कि नहीं करना चाहिए, अब थोड़ा बिग बॉस भी इवॉल्व हो गया है, सो आई मीन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम डूइंग बिग बॉस नाउ। मेरा ऑनेस्टली मेरा मुंबई में फेवरेट सीज़न मानसून सीज़न ही है, बिकॉज यू नो थोड़ा वेदर भी अच्छा हो जाता है और आपको ट्रैवल करने का मन करता है कि चलो कहीं निकलते हैं महाराष्ट्र के अंदर ही, फॉर एग्जांपल गोवा लोनावला, सो दैट्स द टाइम व्हेन आई लाइक टू ट्रैवल। अदरवाइज बाकी टाइम तो गर्मी इतनी होती है और बट मानसून इज़ अ टाइम व्हेन आई रियली वांट टू गो आउट सी द नेचर एंजॉय द वेदर द रेन्स। मतलब इट वाज वेरी अनरियल, मतलब बिकॉज मैंने उस एड के लिए ऑडिशन किया था और हाँ वो पापा बेटे बने थे, बट वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था बिकॉज जस्ट दो दिन पहले ही मुझे कॉल आया कि ऐसा कोई एड है, यू वांट टू ट्राई फॉर इट। मैंने कहा ठीक है ट्राई करते हैं, एंड एक्चुअली व्हेन आई गॉट इट आई वाज रियली यू नो वो सिंक इन ही नहीं हुआ, यू नो टिल द टाइम आई एक्चुअली मेट हिम ऑन द सेट, तो इट वॉज काइंड ऑफ अ ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज उनके साथ काम कौन नहीं करना चाहेगा, वो एंड स्पेशली अगर आप बाप बेटे वाली यू नो सीक्वेंस में हो रोल में हो, तो इट वॉज अ रियल फन वर्किंग विद हिम। आई होप मुझे फिर मौका मिले उनके साथ काम करने का, बिकॉज वो थोड़ा ठीक है एड था शॉर्ट ड्यूरेशन, बट आई होप कुछ और लंबा करने को मिले उनके साथ। बॉलीवुड एक्टर्स आई वुड से मिस्टर अमिताभ बच्चन ऑफ कोर्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अक्षय कुमार,
और मतलब इतनी कोई लंबी लिस्ट नहीं है मेरी. सो दीज आर द आई मीन फ्यू एक्टर्स आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क विथ. अभी तो और बाकी इतने नए आ गए उनका तो मैं मतलब मुझे इतना नहीं है, बट जो अभी तक से थे यू नो when I was watching them while growing up, so these are few actors whom I really respect because of their discipline and you know their focus in this field, the performance, their talent, everything. Lastly, क्या कुछ कहना चाहेंगे audience को? Upcoming projects क्या? अभी upcoming projects तो मैं ऐसा कुछ अभी disclose नहीं करना चाहूँगा, but currently जो मेरा show चल रहा है Rai Singhani versus Rai Singhani on Sony Liv, आप please देखते रहिए. I mean you'll really enjoy it because one of a kind show hai, web show, it's of 100 plus episodes and very different concept, so please do watch it for me and for other actors in the show. Thank you. Aankhein lagti nahi ki film agent dekhne se pehle yahan jaane pura review wo bhi hindi mein aur jaane kis OTT par dekhe is film ko. पी रामकृष्णा उर्फ डी की एक अति सक्रिय युवा है जो जासूस बनना चाहता है, लेकिन रॉ द्वारा 3 बार खारिज कर दिया जाता है. इसलिए वो रॉ प्रमुख महादेव उर्फ द डेविल के सिस्टम को हैक कर लेता है ताकि वो उसकी नजर में आ सके. अंत में शैतान उसे गुप्त रूप से भगवान की कार्य योजना का पता लगाने के मिशन पर नियुक्त करता है, जिसने भारत को नष्ट करने के लिए कुछ बड़ा प्लान किया था. भगवान कौन है? शैतान के साथ उसका क्या रिश्ता है? क्या विक्की ने उसे ढूंढ लिया और उसके मिशन को रोक दिया? आगे क्या हुआ? फिल्म में सभी जवाब है. अखिल अक्किनेनी को निभाने के लिए एक शानदार भूमिका मिली है. उनके किरदार को निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी ने बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया है, जो अखिल की पिछली भूमिकाओं से बिल्कुल अलग है. उनका अभिनय खास तौर पर एक्शन सीक्वेंस में बड़े पर्दे पर देखने लायक है. अखिल को इस तरह के अलग अलग किरदार में देखना प्रशंसकों के लिए किसी दावत से कम नहीं है. सुरेंद्र रेड्डी ने अखिल में एक बेहतरीन डांसर की भूमिका भी निभाई है. अखिल के प्रयास और भूमिका के लिए उनका रूपांतरण सराहनीय है. मलयालम मेगा स्टार मम्मूटी को एक अच्छी भूमिका मिली है. उनका किरदार दर्शकों के बीच भ्रम पैदा करता है कि ये रॉ चीफ है या बुरे आदमी. स्टार हीरो अपने किरदार के लिए डबिंग भी करते हैं, जो अच्छी बात है. साक्षी वैद्य बहुत ही प्यारी लगती है और अखिल के साथ उनकी स्क्रीन टाइम बहुत ही कम है, लेकिन ये देखने लायक है. अखिल के प्रशंसकों के लिए पहला भाग एक दवात है, क्योंकि उनका किरदार अप्रत्याशित है. वो पागल है और पहले भाग में उसकी हरकतें मजेदार है. मंत्री जयदेव के साथ उनकी बातचीत और इंटरवल से पहले की लड़ाई की सीक्वेंस सीटी बजाने लायक है. माइनस पॉइंट्स, कहानी थोड़ी अनुमानित है. वक्त तंबामसी को कम से कम दूसरे घंटे में कहानी को आकर्षक तरीके से लिखने में उचित सावधानी बरतनी चाहिए थी. पहले भाग में अच्छी पटकथा दूसरे भाग में धीमी गति से चलती है, इससे बोरियत महसूस होगी. दूसरा भाग फिल्म के लिए एक बड़ी निराशा है, क्योंकि ये पहले भाग जितना आकर्षक नहीं है. क्लाइमैक्स वाला हिस्सा बहुत ही मूर्खतापूर्ण लगता है. दूसरे भाग में भावना तक हिस्सा अच्छा नहीं रहा. डीनो मोरिया द्वारा निभाया गया खलनायक का किरदार अच्छा है, लेकिन निर्देशक को ये बताने के लिए बेहतर कारण दिखाना चाहिए था कि वो भारत के खिलाफ क्यों है. साथ ही कई किरदारों का फिल्म से कोई लेना देना नहीं है. उदाहरण के लिए इस फिल्म में वरलक्ष्मी शरद कुमार की कोई जरूरत नहीं है. मुरली शर्मा, अनिशा कुरुविल्ला और अन्य केवल कुछ दृश्य तक ही सीमित है. एक्शन सीक्वेंस अच्छे से डिजाइन किए गए हैं, लेकिन वीएफएक्स बहुत ही खराब है. और ईमानदारी से कहे तो कई मिड बजट फिल्मों में इससे बेहतर वीएफएक्स होता है. साथ ही गानों की प्लेसमेंट खराब है, ये बाधा बन जाते हैं. निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी अखिल की पूरी क्षमता का उपयोग करने में सफल रहे हैं. उन्होंने उन्हें बहुत ही अच्छे से दिखाया और अभिनेता के सामूहिक दृष्टिकोण को उजागर किया. हालांकि ये दूसरे भाग में कहानी को अच्छी तरह से बयान करने में विफल रहे, जिससे पहले भाग के अच्छे प्रदर्शन के बाद काफी आकर्षक होना चाहिए था. रसूल एलोर की सिनेमाटोग्राफी ठीक है और हिप हॉप तमीज़ा का संगीत भी ठीक है. संपादन बेहतर हो सकता था और नवीन नोली को दूसरे भाग में कई अनावश्यक दृश्यों को काम करना चाहिए था. प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है. कुल मिलाकर अखिल स्टारर एजेंट एक औसत दर्जे की जासूसी थ्रिलर है. अखिल का प्रदर्शन और कुछ एक्शन सीक्वेंस फिल्म के लिए वरदान है. दूसरे भाग में खराब पटकथा, कुछ अति रंजित दृश्य और एक मूर्खतापूर्ण क्लाइमैक्स भाग आपको बोरियत का एहसास कराता है. अगर आप एक्शन मूवी के दीवाने हैं तो आप इस वीकेंड ये फिल्म देख सकते हैं. बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दिया गया है. तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर देख सकते हैं. एजेंट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी वो भी हिंदी में. रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल
से दो आतंकवादियों को मारने के लिए एक असंभव मिशन की योजना बनाने के बारे में पूछताछ की गई, जहां महादेव ने खुलासा किया कि दोनों आतंकवादी जस्ट सिंडिकेट नामक एक निजी आतंकवादी संगठन के तहत काम कर रहे थे, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जय किसान और धर्म उपनाम भगवान। इस बीच रामकृष्ण रिकी उर्फ वाइल्ड साला एक महत्वाकांक्षी युवा है जो कई असफल प्रयासों के बावजूद रॉ एजेंट बनना चाहता है। उसकी क्षमता को देखने के बाद महादेव रिकी को धर्म पर कब्जा करने के लिए एक नौ सीखिया के रूप में खुद को छिपाने के मिशन पर सौंपता है। ये पता चला कि धर्मा एक पूर्व रॉ एजेंट था जो महादेव द्वारा उसकी प्रेमिका को मारने के लिए मजबूर करने के बाद दुष्ट हो गया था और अब सुपर सेल्स नामक एक घातक वायरस फैलाने की योजना बना रहा है। महादेव के साथ मुठभेड़ के दौरान वायरस युक्त उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाता है और एक तकनीकी समस्या उत्पन्न हो जाती है। रिकी बंदरगाह पर गोलीबारी में जय किसान को मार देता है और धर्मा के सिंडिकेट के अन्य संचालकों के बारे में जानने के लिए कश्मीर जाता है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और महादेव उसे रॉ एजेंट होने से इनकार करता है। ऐसा करने के तुरंत बाद रिकी धर्म की मदद से हिरासत से भाग जाता है। बाद में उसे पता चला कि रिकी की गिरफ्तारी रिकी और महादेव दोनों द्वारा धर्म के संचालन के बारे में जानने के लिए बनाई गई एक चाल थी। इस बीच वायरस युक्त डिवाइस को ठीक कर दिया जाता है और डिवाइस को उच्च बोला लगाने वाले को बेचने के लिए एक बैठक की व्यवस्था की जाती है, जिसके बारे में महादेव को रिकी से पता चलता है और वो उसे डिवाइस की एक प्रति प्राप्त करने का काम सौंपता है, जिसमें सभी के नाम और पहचान भी शामिल होती है, सीक्रेट रॉ एजेंट और सक्रिय रॉ एजेंट। धर्म का पता चलता है कि रिकी डिवाइस की नकल कर रहा है, जिस पर वो महादेव का सामना करता है और उसे खुद को गोली मारने के लिए मजबूर करता है या वो मिसाइलों के माध्यम से वायरस फैला देगा। महादेव रिकी को उसी गोली मारने के लिए कहता है जो वो अनिच्छा से करता है। रिकी धर्मा का पता लगाता है और उसे मार डालता है, साथ ही मिसाइलों को देश में वायरस छोड़ने से भी रोकता है। बाद में वो रैबिट फायर नामक एक नए मिशन पर निकल पड़ा। साउथ एक्टर अखिल अक्किनेनी की फिल्म एजेंट देखने से पहले जान लीजिए फिल्म का पूरा रिव्यू। प्रेम कहानियों का नाम अक्किनेनी परिवार के नायकों के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा नायक अखिल अब तक ऐसी कहानियों के साथ सफर करता रहा है। हेलो मिस्टर मजनू और मोस्ट एलिजिबल बैचलर फिल्मों से उन्होंने सिनेमा प्रेमियों के मन में लवर बॉय की छवि बना ली है, लेकिन अब अखिल एजेंट के साथ अपनी छवि के विपरीत एक मास एक्शन हीरो के रूप में मनोरंजन करने के लिए तैयार है। सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित ये एक स्टाइलिश स्पाई एक्शन थ्रिलर है। ममूटी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्मांकन में देरी के कारण कई बार स्थगित हुई फिल्म ने आखिरकार सिनेमाघरों में प्रवेश कर लिया है। और क्या है इस एजेंट की कहानी? इस फिल्म के लिए अखिल को दो साल की मेहनत का क्या नतीजा निकला? रिकी उर्फ रामकृष्ण एक मिडिल क्लास लड़का है। वो जासूस बनने के उद्देश्य से रहता है। वही वजह है कि वो RA में शामिल होने के लिए तीन बार परीक्षा देता है, लेकिन हर बार इंटरव्यू में उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। अपने एथिकल हैकिंग कौशल के साथ ये सोचकर कि उसे आजमाने का कोई फायदा नहीं है, रॉ प्रमुख डेविल उर्फ महादेव सिस्टम को हैक कर लेता है और उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन रिकी की बंदर की हरकतों को देखकर वो भी उसे रिजेक्ट कर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर भगवान उर्फ धर्म भारत को नष्ट करने के लिए मिशन रैबिट नामक चीन के साथ एक बड़ी साजिश रचता है। हालांकि महादेव अपने एजेंट की मदद से उनकी साजिश को विफल करने की कोशिश करते हैं और विफल हो जाते हैं, इसलिए वो दूसरी बार रिकी को उस मिशन के लिए तैनात करता है और महादेव ने रिकी को जिस रॉ के लिए काम नहीं करने के कारण अलग कर दिया गया था उतने बड़े मिशन के लिए मैदान में क्यों उतारा? रिकी ने अपने आदेशों को दरकिनार कर कौन से जोखिम मिल लिए? उनके असली जासूस बनने के लक्ष्य के पीछे क्या प्रबल कारण था? कैसे रॉ को मिशन रैबिट वैद्य के साथ उनके रोमांस का क्या हुआ? इस कहानी के केंद्रीय मंत्र जय किशन क्या है वो बाकी कहानी है। ये एक जासूसी एक्शन थ्रिलर है जो देशभक्ति की पृष्ठभूमि पर आधारित है। मुख्य रूप से ये तीन रॉ एजेंटों के बीच की लड़ाई है।
यदि उनमें से एक देश को नष्ट करने के उद्देश्य काम कर रहा है तो वही दिलचस्प है कि अन्य दो साजिश को रोकने के लिए कैसे लड़े। हाल ही में रिलीज हुई पठान भी इसी तरह की कहानी है, लेकिन इस फिल्म में जितने एक्शन और थ्रिलिंग एलिमेंट से ये फिल्म नदारद है। दरअसल इस तरह की जासूसी एक्शन थ्रिलर में कहानी बस एक छोटी सी लाइन होती है, एक्शन और रोमांचकारी क्षण अधिक महत्वपूर्ण है। फिल्म की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें कितना दिलचस्प बनाया गया है। इस लिहाज से रेजेंट उम्मीद के मुताबिक प्रभावित नहीं कर पाया। फिल्म दिलचस्प तरीके से शुरू होती है जब रिकी द्वारा महादेव की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वहां से कहानी रिकी के वॉइस ओवर के साथ आगे बढ़ती है। ड्रीम एजेंट के रूप में अखिल की एंट्री फाइट प्रभावशाली है। रिकी के जासूस बनने की प्रयासों के साथ पहले 55 मिनट, फिर वैद्य के साथ प्रेम प्रसंग के साथ एक और 20 मिनट के लिए फिल्म स्पष्ट रूप से चलती है। कहानी को उस दृश्य के साथ एक और बढ़ावा मिलता है जहां रिकी केंद्रीय मंत्री जय किशन के घर जाता है और वैद्य को परेशान करने की चेतावनी देता है। भगवान का मिशन खर गोहो भारत को नष्ट करना शुरू कर रहा है। फिल्म गति पकड़ती है क्योंकि उसे रोकने के लिए महादेव और रिकी को लाया जाता है। ब्रेक से पहले बीस्ट लुक के साथ अखिल का एक्शन उमद, जिस तरह से वो महादेव के आदेशों की अनदेखी करता है और जय किशन का ग्रह खड़ा करता है, वो मनोरंजक है। उसके साथ ही दिलचस्पी ये देखने लगती है कि सेकेंड हाफ में क्या होगा, लेकिन उसके बाद से लगता है कि कहानी पूरी तरह से खो गई है। वास्तव में रॉ द्वारा चलाए जाने वाले ऑपरेशन जिस तरह से वो दुश्मनों की साजिश को तोड़ते हैं, वो बहुत ही रीचक और रोचक अकल्पनीय है। उस सिस्टम की पूरी कार्य प्रणाली एक माइंड गेम की तरह होती है, लेकिन इसमें उसे प्रभावी ढंग से नहीं दिखाया जा सका। कुछ एपिसोड्स को देखकर लगता है कि फिल्म रॉ के असल परफॉर्मेंस पर बिना कोई रिसर्च किए बनाई गई थी। वीडियो में विलन अपने ऑफिस में बैठकर रॉ टीम का कार्यकलाप देख रहा है। ये देखकर बड़ा ही बेहुदा लगता है। पहले हाफ की तुलना में दूसरे हाफ में एक्शन डोज ज्यादा होता है। हर 10 मिनट में एक लड़ाई या पीछे करना वाला एपिसोड आता है और चला जाता है। इनमें से कुछ प्रभावशाली है जबकि अन्य खिंचाव की रतब लगाते हैं। ठंडा दृश्य में आने वाला एक्शन एपिसोड भी रूटीन है। जैसे कि सभी को उम्मीद थी, रिकी ने धर्मा को समाप्त कर दिया है और मिशन रैबिट को विफल कर दिया। कहानी को एक लकी कार्ड मिलता है। अखिल का एक एजेंट की भूमिका में किए गए संघर्ष स्क्रीन पर हर फ्रेम में स्पष्ट है। सुरेंद्र रेड्डी ने उन्हें पर्दे पर स्टाइलिश लुक में प्रभावशाली ढंग से दिखाया है। समझाया जाता है कि फाइट सीन्स के लिए अखिल ने काफी मेहनत की गई है। एक्टिंग के मामले में वो काफी नए नजर आए। रॉ के प्रमुख के रूप में सौतन के रूप में ममूटी का प्रदर्शन फिल्म का मुख्य आकर्षण है। उनकी छवि और अनुभव ने भूमिका में और अधिक पूर्णता ला दी है। दिनो मोरिया का खलनायक का चरित्रण नियमित है, लेकिन कहानी में अच्छी तरह से सेट है। साक्षी वैद्य कुछ रोमांटिक दृश्य और दो या तीन गानों तक सीमित है। वास्तव में अखिल और उसके बीच की प्रेम ट्रैक कहानी को गतिरोधक लगता है। उस लव ट्रैक के बिना भी कहानी को कोई नुकसान नहीं होता। संपत राज, बड़े लक्ष्मी और शरद कुमार, मुरली शर्मा और अन्य की भूमिकाएं दायरे में है। सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित स्टाइलिश एक्शन फिल्मों में एजेंट का एक विशेष स्थान है। हालांकि कहानी को रोचक नहीं बनाया गया, दर्शकों द्वारा अपेक्षित ट्विस्ट और टर्न और रोमांचकारी क्षणों ने इस फिल्म के परिणाम को चोट पहुंचाई। रसूल द्वारा प्रदान किया गया पार्श्व संगीत फिल्म का एक अतिरिक्त आकर्षण बन गया, लेकिन गाने बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं है। रसूल एलोर की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, निर्माण मूल्य बहुत अधिक है। अखिल अक्किनेनी की फिल्म एजेंट देखने से पहले यह जाने पूरा रिव्यू वो भी हिंदी में और जाने किस ओटीटी पर देखे इस फिल्म को। पी रामकृष्णा उर्फ रिकी एक अति सक्रिय युवा है जो जासूस बनना चाहता है, लेकिन रॉ द्वारा 3 बार खारिज कर दिया जाता है। इसलिए वो रॉ प्रमुख महादेव उर्फ द डेविल के सिस्टम को हैक कर लेता है ताकि वो उसकी नजर में आ सके। अंत में शैतान उसे गुप्त रूप से भगवान की कार्य योजना का पता लगाने के मिशन पर नियुक्त करता है, जिसने भारत को नष्ट करने के लिए कुछ बड़ा प्लान किया था। भगवान कौन है, शैतान के साथ उसका क्या रिश्ता है, क्या विक्की ने उसे ढूंढ लिया और उसके मिशन को रोक दिया?
आगे क्या हुआ फिल्म में सभी जवाब है। अकेला किनेनी को निभाने के लिए एक शानदार भूमिका मिली है। उनके किरदार को निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी ने बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया है, जो अखिल की पिछली भूमिकाओं से बिल्कुल अलग है। उनका अभिनय खास तौर पर एक्शन सीक्वेंस में बड़े पर्दे पर देखने लायक है। अखिल को इस तरह के अलग अलग किरदार में देखना प्रशंसकों के लिए किसी दावत से कम नहीं है। सुरेंद्र रेड्डी ने अखिल में एक बेहतरीन डांसर की भूमिका भी निभाई है। अखिल के प्रयास और भूमिका के लिए उनका रूपांतरण सराहनीय है। मलयालम मेगास्टार ममूटी को एक अच्छी भूमिका मिली है। उनका किरदार दर्शकों के बीच भ्रम पैदा करता है कि ये रॉ चीफ है या बुरे आदमी। स्टुअर्ट हीरो अपने किरदार के लिए डबिंग भी करते हैं, जो अच्छी बात है। साक्षी वैद्य बहुत ही प्यारी लगती है और अखिल के साथ उनकी स्क्रीन टाइम बहुत ही कम है, लेकिन ये देखने लायक है। अखिल के प्रशंसकों के लिए पहला भाग एक दबाव है, क्योंकि उनका किरदार अप्रत्याशित है। वो पागल है और पहले भाग में उसकी हरकतें मजेदार है। मंत्री जयदेव के साथ उनकी बातचीत और इंटरवल से पहले की लड़ाई की सीक्वेंस सीटी बजाने लायक है। माइनस पॉइंट्स, कहानी थोड़ी अनुमानित है। वक्त तंबामसी को कम से कम दूसरे घंटे में कहानी को आकर्षक तरीके से लिखने में उचित सावधानी बरतनी चाहिए थी। पहले भाग में अच्छी पटकथा दूसरे भाग में धीमी गति से चलती है, इससे बोरियत महसूस होगी। दूसरा भाग फिल्म के लिए एक बड़ी निराशा है, क्योंकि ये पहले भाग जितना आकर्षक नहीं है। क्लाइमैक्स वाला हिस्सा बहुत ही मूर्खतापूर्ण लगता है। दूसरे भाग में भावना तक हिस्सा अच्छा नहीं रहा। डीनो मोरिया द्वारा निभाया गया खलनायक का किरदार अच्छा है, लेकिन निर्देशक को ये बताने के लिए बेहतर कारण दिखाना चाहिए था कि वो भारत के खिलाफ क्यों है। साथ ही कई किरदारों का फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण के लिए इस फिल्म में वरलक्ष्मी शरद कुमार की कोई जरूरत नहीं है। मुरली शर्मा, अनिशा कुरुविल्ला और अन्य केवल कुछ दृश्य तक ही सीमित है। एक्शन सीक्वेंस अच्छे से डिजाइन किए गए हैं, लेकिन वीएफएक्स बहुत ही खराब है। और ईमानदारी से कहे तो कई मिड बजट फिल्मों में इससे बेहतर वीएफएक्स होता है। साथ ही गानों की प्लेसमेंट खराब है, ये बाधा बन जाते हैं। निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी अखिल की पूरी क्षमता का उपयोग करने में सफल रहे हैं। उन्होंने उन्हें बहुत ही अच्छे से दिखाया और अभिनेता के सामूहिक दृष्टिकोण को उजागर किया। हालांकि ये दूसरे भाग में कहानी को अच्छी तरह से बयान करने में विफल रहे, जिससे पहले भाग के अच्छे प्रदर्शन के बाद काफी आकर्षक होना चाहिए था। रसूल एलोर की सिनेमाटोग्राफी ठीक है और हिप हॉप तमीज हा का संगीत भी ठीक है। संपादन बेहतर हो सकता था और नवीन नोली को दूसरे भाग में कई अनावश्यक दृश्यों को काम करना चाहिए था। प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है। कुल मिलाकर अखिल स्टारर एजेंट एक औसत दर्जे की जासूसी थ्रिलर है। अखिल का प्रदर्शन और कुछ एक्शन सीक्वेंस फिल्म के लिए वरदान है। दूसरे भाग में खराब पटकथा, कुछ अति रंजित दृश्य और एक मूर्खतापूर्ण क्लाइमैक्स भाग आपको बोरियत का एहसास कराता है। अगर आप एक्शन मूवी के दीवाने हैं तो आप इस वीकेंड ये फिल्म देख सकते हैं। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर देख सकते हैं। एजेंट फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी वो भी हिंदी में। रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल से दो आतंकवादियों को मारने के लिए एक असंभव मिशन की योजना बनाने के बारे में पूछताछ की गई, जहां महादेव ने खुलासा किया कि दोनों आतंकवादी जस्ट सिंडिकेट नामक एक निजी आतंकवादी संगठन के तहत काम कर रहे थे, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जय किशन और धर्म उपनाम भगवान। इस बीच रामकृष्ण रिकी उर्फ वाइल्ड साला एक महत्वाकांक्षी युवा है, जो कई असफल प्रयासों के बावजूद रॉ एजेंट बनना चाहता है। उसकी क्षमता को देखने के बाद महादेव रिकी को धर्म पर कब्जा करने के लिए एक नौसिखिया के रूप में खुद को छिपाने के मिशन पर सौंपता है। ये पता चला कि धर्मा एक पूर्व रॉ एजेंट था, जो महादेव द्वारा उसकी प्रेमिका को मारने के लिए मजबूर करने के बाद दुष्ट हो गया था और अब सुपर सेल्स नामक एक घातक वायरस फैलाने की योजना बना रहा है। महादेव के साथ मुठभेड़ के दौरान वायरस युक्त उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाता है और एक तकनीकी समस्या उत्पन्न हो जाती है। रिकी बंदरगाह पर गोलीबारी में जय किशन को मार देता है और धर्मा के सिंडिकेट के अन्य संचालकों के बारे में जानने के लिए कश्मीर जाता है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और महादेव उसे रॉ एजेंट होने से इनकार करता है। ऐसा करने के तुरंत बाद रिकी धर्म की मदद से हिरासत से भाग जाता है। बाद में उसे पता चला कि रिकी की गिरफ्तारी रिकी और महादेव दोनों द्वारा धर्म के संचालन के बारे में जानने के लिए बनाई गई एक चाल थी। इस बीच वायरस युक्त डिवाइस को ठीक कर दिया जाता है और डिवाइस को उच्च बोला लगाने वाले को बेचने के लिए एक बैठक की व्यवस्था की जाती है, जिसके बारे में महादेव को रिकी से पता चलता है और वो उसे डिवाइस की एक प्रति प्राप्त करने का काम सौंपता है, जिसमें सभी के नाम और पहचान भी शामिल होती है। सीक्रेट रॉ एजेंट और सक्रिय रॉ एजेंट।
धर्म का पता चलता है कि रिकी डिवाइस की नकल कर रहा है, जिस पर वो महादेव का सामना करता है और उसे खुद को गोली मारने के लिए मजबूर करता है या वो मिसाइलों के माध्यम से वायरस फैला देगा। महादेव रिकी को उसी गोली मारने के लिए कहता है जो वो अनिच्छा से करता है। रिकी धर्म का पता लगाता है और उसे मार डालता है, साथ ही मिसाइलों को देश में वायरस छोड़ने से भी रोकता है। बाद में वो रैबिट फायर नामक एक नए मिशन पर निकल पड़ा। साउथ एक्टर अखिल अक्किनेनी की फिल्म एजेंट देखने से पहले जान लीजिए फिल्म का पूरा रिव्यू। प्रेम कहानियों का नाम अक्किनेनी परिवार की नायकों के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा नायक अखिल अब तक ऐसी कहानियों के साथ सफर करता रहा है। हेलो मिस्टर मजनू और मोस्ट एलिजिबल बैचलर फिल्मों से उन्होंने सिनेमा प्रेमियों के मन में लवर बॉय की छवि बना ली है। लेकिन अब अखिल एजेंट के साथ अपनी छवि के विपरीत एक मास एक्शन हीरो के रूप में मनोरंजन करने के लिए तैयार है। सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित ये एक स्टाइलिश स्पाई एक्शन थ्रिलर है। ममूटी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्मांकन में देरी के कारण कई बार स्थगित हुई फिल्म ने आखिरकार सिनेमाघरों में प्रवेश कर लिया है। और क्या है इस एजेंट की कहानी? इस फिल्म के लिए अखिल को 2 साल की मेहनत का क्या नतीजा निकला? रिकी उर्फ रामकृष्ण एक मिडिल क्लास लड़का है। वो जासूस बनने के उद्देश्य से रहता है। वही वजह है कि वो RA में शामिल होने के लिए 3 बार परीक्षा देता है, लेकिन हर बार इंटरव्यू में उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। अपने एथिकल हैकिंग कौशल के साथ ये सोचकर कि उसे आजमाने का कोई फायदा नहीं है, रॉ प्रमुख डेविल उर्फ महादेव सिस्टम को हैक कर लेता है और उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। लेकिन रिकी की बंदर की हरकतों को देखकर वो भी उसे रिजेक्ट कर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर भगवान उर्फ धर्म भारत को नष्ट करने के लिए मिशन रैबिट नामक चीन के साथ एक बड़ी साजिश रचता है। हालांकि महादेव अपने एजेंट की मदद से उनकी साजिश को विफल करने की कोशिश करते हैं और विफल हो जाते हैं, इसलिए वो दूसरी बार रिकी को उस मिशन के लिए तैनात करता है। और महादेव ने रिकी को जिस रॉ के लिए काम नहीं करने के कारण अलग कर दिया गया था, उतने बड़े मिशन के लिए मैदान में क्यों उतारा? रिकी ने अपने आदेशों को दरकिनार कर कौन से जोखिम मिल लिए? उनके असली जासूस बनने के लक्ष्य के पीछे क्या प्रबल कारण था? कैसे रॉ को मिशन रैबिट वैद्य के साथ उनके रोमांस का क्या हुआ? इस कहानी के केंद्र मंत्र जय किशन क्या है, वो बाकी कहानी है। ये एक जासूसी एक्शन थ्रिलर है जो देशभक्ति की पृष्ठभूमि पर आधारित है। मुख्य रूप से ये 3 रॉ एजेंटों के बीच की लड़ाई है। यदि उनमें से एक देश को नष्ट करने के उद्देश्य काम कर रहा है, तो वही दिलचस्प है कि अन्य 2 साजिश को रोकने के लिए कैसे लड़े। हाल ही में रिलीज हुई पठान भी इसी तरह की कहानी है, लेकिन इस फिल्म में जितने एक्शन और थ्रिलिंग एलिमेंट से ये फिल्म नदारद है। दरअसल इस तरह की जासूसी एक्शन थ्रिलर में कहानी बस एक छोटी सी लाइन होती है। एक्शन और रोमांचकारी क्षण अधिक महत्वपूर्ण है। फिल्म की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें कितना दिलचस्प बनाया गया है। इस लिहाज से रेजेंट उम्मीद के मुताबिक प्रभावित नहीं कर पाया। फिल्म दिलचस्प तरीके से शुरू होती है जब रिकी द्वारा महादेव की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वहां से कहानी रिकी के वॉइस ओवर के साथ आगे बढ़ती है। ड्रीम एजेंट के रूप में अखिल की एंट्री फाइट प्रभावशाली है। रिकी के जासूस बनने की प्रयासों के साथ पहले 55 मिनट, फिर वैद्य के साथ प्रेम प्रसंग के साथ एक और 20 मिनट के लिए फिल्म स्पष्ट रूप से चलती है। कहानी को उस दृश्य के साथ एक और बढ़ावा मिलता है जहां रिकी केंद्रीय मंत्री जय किशन के घर जाता है और वैद्य को परेशान करने की चेतावनी देता है। भगवान का मिशन खरगोह भारत को नष्ट करना शुरू कर रहा है। फिल्म गति पकड़ती है क्योंकि उसे रोकने के लिए महादेव और रिकी को लाया जाता है। ब्रेक से पहले 20 लुक के साथ अखिल का एक्शन उमद, जिस तरह से वो महादेव के आदेशों की अनदेखी करता है और जय किशन का गिरोह खड़ा करता है, वो मनोरंजक है। उसके साथ ही दिलचस्प ये देखने लगती है कि सेकेंड हाफ में क्या होगा, लेकिन उसके बाद से लगता है कि कहानी पूरी तरह से खो गई है।
वास्तव में रॉ द्वारा चलाए जाने वाले ऑपरेशन जिस तरह से वो दुश्मनों की साजिश को तोड़ते हैं वो बहुत ही रीचक और रोचक अकल्पनीय है। उस सिस्टम की पूरी कार्य प्रणाली एक माइंड गेम की तरह होती है, लेकिन इसमें उसे प्रभावी ढंग से नहीं दिखाया जा सका। कुछ एपिसोड्स को देखकर लगता है कि फिल्म रॉ के असल परफॉर्मेंस पर बिना कोई रिसर्च किए बनाई गई थी। वीडियो में विलन अपने ऑफिस में बैठकर रॉ टीम का कार्यकलाप देख रहा है। ये देखकर बड़ा ही बेहुदा लगता है। पहले हाफ की तुलना में दूसरे हाफ में एक्शन डोज ज्यादा होता है। हर 10 मिनट में एक लड़ाई या पीछे करना वाला एपिसोड आता है और चला जाता है। इनमें से कुछ प्रभावशाली है जबकि अन्य खिंचाव की रतब लगाते हैं। ठंडा दृश्य में आने वाला एक्शन एपिसोड भी रूटीन है। जैसे कि सभी को उम्मीद थी रिकी ने धर्मा को समाप्त कर दिया है और मिशन रैबिट को विफल कर दिया। कहानी को एक लकी कार्ड मिलता है। अखिल का एक एजेंट की भूमिका में किए गए संघर्ष स्क्रीन पर हर फ्रेम में स्पष्ट है। सुरेंद्र रेड्डी ने उन्हें पर्दे पर स्टाइलिश लुक में प्रभावशाली ढंग से दिखाया है। समझाया जाता है कि फाइट सीन्स के लिए अखिल ने काफी मेहनत की गई है। एक्टिंग के मामले में वो काफी नए नजर आए। रॉ के प्रमुख के रूप में सौतन के रूप में ममूटी का प्रदर्शन फिल्म का मुख्य आकर्षण है। उनकी छवि और अनुभव ने भूमिका में और अधिक पूर्णता ला दी है। दिनो मोरिया का खलनायक का चरित्रण नियमित है, लेकिन कहानी में अच्छी तरह से सेट है। साक्षी वजह कुछ रोमांटिक दृश्य और दो या तीन गानों तक सीमित है। वास्तव में अखिल और उसके बीच की प्रेम ट्रैक कहानी को गतिरोधक लगता है। उस लव ट्रैक के बिना भी कहानी को कोई नुकसान नहीं होता। संपत राज, बड़े लक्ष्मी और शरद कुमार, मुरली शर्मा और अन्य की भूमिकाएं दायरे में है। सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित स्टाइलिश एक्शन फिल्मों में एजेंट का एक विशेष स्थान है। हालांकि कहानी को रोचक नहीं बनाया गया, दर्शकों द्वारा अपेक्षित ट्विस्ट और टर्न और रोमांचकारी क्षणों ने इस फिल्म के परिणाम को चोट पहुंचाई। रसूल द्वारा प्रदान किया गया पार्श्व संगीत फिल्म का एक अतिरिक्त आकर्षण बन गया, लेकिन गाने बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं है। रसूल एलोर की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, निर्माण मूल्य बहुत अधिक है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एंड इट्स जस्ट अ स्क्रिप्ट क्योंकि मुझे बहुत पैसेजेस आए बात वेरी क्रूअल अच्छा नहीं किया क्योंकि दोनों गानों में बेचारी लड़की धोखा दे रही है तो दे लाइक वेरी क्रूअल अच्छा नहीं किया बट आई एम ग्लैड आपको अच्छा लगा सेकंड ये जानना चाहूँगी कितना इन्जॉय किया आपने गाना क्योंकि काफ़ी टाइम बाद एक बार फिर आप ऑडियंस के बीच में आ रही है और इतना सारा प्यार मिल रहा है तो फैमिली एंड फ्रेंड का रिएक्शन क्या आ रहा है अच्छा आ रहा है फैमिली दे आर ऑलवेज सपोर्टिव एंड उनको अच्छा लग रहा है इवन फ्रेंड्स को अच्छा लग रहा है और मैंने एक्चुअली बहुत इन्जॉय किया था बिकॉज हमने ये गाना शूट किया मनाली में और वहाँ पर थी स्नो दो मेरी तबीयत ख़राब थी पर बर्फ़ का मज़ा अपना ही है सो इट वॉज फन शूटिंग देयर हम सुबह से लेकर रात तक शूट कर रहे थे एंड मज़ेदार था क्योंकि इसी बहाने आपको घूमने को मिल जाता है आप पहाड़ों को इंजॉय करके आते हो ट्विंकल ये जानना चाहूँगी उड़ारिया के बाद यू नो जब ये शो आपको मिला उसके बाद आप मुंबई शिफ्ट हो गए कितना उस टाइम पर अगर मैं जानना चाहूँगी उस टाइम की बात सो कितना चेंजेस हुए क्या कुछ स्ट्रगल या फेसिस करने पड़े आपको उस टाइम बहुत सारे चेंजेस हुए हैं एज अ पर्सनैलिटी मैं बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गई हूँ जब मैं उडारिया में थी आई वॉज़ वेरी न्यू टू एवरीथिंग इवन उडारिया के फर्स्ट 2-3 मंथ्स वो वेरी डिफ़िकल्ट एज बट माई बेस्ट आई वुड स्टिल से मेरे लिए बेस्ट थे पर मैं अभी आई वॉज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग आफ्टर उडारिया नाउ देर वॉज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल्सो अ प्रेशर कि अब इससे बेटर And then I shifted here. और मुंबई शिफ्ट होने की स्ट्रगल तो वी ऑल नो फाइंडिंग अ हाउस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क बट नाउ आई हैव वन एंड देन आई हैड लाइक देन आई शॉट फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हियर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जिसमें से मोस्टली अब आउट हो रहे हैं एंड देन वी शॉट फॉर अ शो एंड
I'll meet you soon. That's all I can say as of now. मुंबई जब शिफ्ट हुई तो मुंबई की बहुत सारी बातें चलती हैं, यू नो मॉनसून टाइप चल रहा है, मुंबई की ऐसी क्या खास चीज़ें हैं टोटल जो आपको बहुत पसंद है? मुझे मुंबई में सबसे ज़्यादा पसंद ये है कि यहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हियर जो आपको ऑलवेज ऑन द टोज रखती है. ऑनेस्टली सेइंग आफ्टर उडारिया व्हेन आई वाज इन चंडीगढ़, पीपल डोंट नो हाउ द इंडस्ट्री वर्क, पीपल डोंट नो हाउ लॉन्ग इट टेक्स कि यू हैव टू गिव ऑडिशन, देन यू हैव टू गो फॉर मॉक, देन यू हैव टू गो फॉर लुक टेस्ट, एंड देन देर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स बिफोर साइनिंग अ शो. वहाँ पे पीपल डोंट नो बट दे वुड जस्ट से आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, एंड इट वुड एक्चुअली इफेक्ट मी ऑन माई हेड कि यार एक्चुअली आगे क्या, इट्स जस्ट दो महीने हो चुके हैं आगे क्या. बट लेटर व्हेन आई केम टू बॉम्बे एंड आई रियलाइज दैट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आर जर्नी, इट्स अ जर्नी दैट एवरी एक्टर गोज थ्रू एंड दैट्स ओके. तो यहाँ पे वो सेंस ऑफ फेमिलैरिटी बहुत मिली है एंड वही कहूँगी आई एम वेरी एम्बिशियस पर्सन, आई एम ऑलवेज ऑन द टोज, मुझे यहाँ वो एनर्जी दिखती है, वो एनर्जी मिलती है, इसलिए मुझे मुंबई पसंद आता है बहुत. ऑन दी अदर हैंड यहाँ की बारिश, बिकॉज आई लव मानसूनस, आई एम सो एन्जॉइंग दिस वेदर. अदर देन दिस मैं हर तरीके का कैरेक्टर प्ले करना पसंद करूँगी. आई वुड लाइक टू प्ले ऑल द जॉनर्स बट आई वुड नेक्स्ट लाइक टू प्ले कॉमेडी एंड समथिंग राइट ऑपोजिट टू नेहमत विच आई होप यू विल सी वेरी सून. बिल्कुल ही नेहमत से ऑपोजिट. देन आई वुड लाइक टू डू एक्शन. सो आई रियली वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एज एन एक्टर, तभी मैं अभी डिसीजंस भी अकॉर्डिंगली यही ले रही हूँ कि जहाँ नेहमत बहुत प्यारा कैरेक्टर था, आगे मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट होंगे. एंड सर जी ये भी जानना चाहूँगी, बहुत ऐसे कैरेक्टर रहे, शार्क कास्ट रहे आपके साथ में जो कि बाहर भी कोर्स भी किए और उनके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा देखा गया, बट सडनली वो एक स्पिरिचुअल कह सकते हैं बेस्ट फ्रेंड बेनिफिट जैसे फ्रेंडशिप रहे दिखाई दिए. इवन आपका रिएक्शन भी आया था जब आफ्टर ईशा माल्या एंड समर्थ बिग बॉस हाउस में थे, आपके अच्छे फ्रेंड भी थे इवन ऑन सेट, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इस समय समर्थ खतरों खिलाड़ी कर रहे हैं. कर रहे खतरों खिलाड़ी में समर्थ हैं? आई थिंक नहीं हैं. आई डोंट थिंक नहीं है. नहीं है. ओके. बिकॉज लास्ट कन्वर्सेशन दैट आई हैड ही हैड सम हेल्थ इशू, उसके पैरों में कुछ इशू था जिसकी वजह से ही कुड नॉट डू खतरों के खिलाड़ी दिस ईयर, मेबी ही विल डू नेक्स्ट ईयर. एंड करना चाहिए था बट आई सॉ उसका पैर का थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा. एंड एवरीबडी इज़ डूइंग गुड, बिग बॉस से निकल के एवरी वन इज़ डूइंग गुड. अभिषेक इज़ डूइंग खतरों के खिलाड़ी एंड आई थिंक दे आर डूइंग गुड. अब जो उनकी जर्नी रही है वो उनकी जर्नी रही है, ऐसे रही है ऐसे रही है, बट इट वॉज देयर ओन जर्नी. एंड आई थिंक ट्विंकल ऐसा फ्यूचर प्लानिंग है कभी बिग बॉस का ऑफर? इवन हमने सुना भी था कि आया था यू नो, बट आप इस समय प्रिपेयर नहीं है? अभी नियर फ्यूचर में तो मुझे नहीं लगता कि मैं बिग बॉस करूँगी. बिग बॉस फॉलो करती हैं आप? ओनली ऑन सोशल मीडिया. क्या इस समय क्या सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है? मेरे को अभी सोशल मीडिया पर वो कपल दिखे, दो शादियों वाले. एंड आई एक्चुअली दे आर फ्रॉम चंडीगढ़ ओनली, तो चंडीगढ़ में मैंने बहुत बार उन्हें मतलब देखा है आते जाते हैं एवरीथिंग. तो आई सॉ देम कि ओके दे आर ऑन टीवी नाउ. क्या ठीक है, नाइस. रिसेंटली आपके शो का भी कुछ सामने आ रहा है, क्या कुछ प्लानिंग अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है? उसके बारे में आई एम नॉट श्योर कि हाउ मच आई कैन टॉक अभी, but things went little unexpected but we are going to meet soon. So lastly ye jana chahungi tumhe, aap apni personal life mein kis tarike ke relationship chahti hai, matlab jis tarike gaane humne dekhe but there real life mein dekho na jis tarike ke, ek cheez yaad rakho please, actor hota hai, actor sirf perform kar raha hai jo use
वो मिले, चाहे वो हारिया गाना था या हंजू गाना था, आई नो दोनों में डिफरेंट था, पर दोनों में लड़की कहीं ना कहीं एट फॉल्ट थी. बट इन माई रियल लाइफ आई हैव बीन अ वेरी, मैं बहुत ही यार दोस्ती वाली लड़की हूँ, तो मुझे ऐसा ही पार्टनर चाहिए जो मेरे साथ दोस्त भी हो और मेरा पार्टनर भी हो. थैंक यू. आखिर लगती नहीं कि फिल्म एजेंट देखने से पहले यह जाने पूरा रिव्यू वो भी हिंदी में आ जाने के OTT पर देखें इस फिल्म को. पी रामकृष्णा उर्फ डी की एक अति सक्रिय युवा है जो जासूस बनना चाहता है, लेकिन रॉ द्वारा 3 बार खारिज कर दिया जाता है, इसलिए वो रॉ प्रमुख महादेव उर्फ द डेविल के सिस्टम को हैक कर लेता है ताकि वो उसकी नजर में आ सके. अंत में शैतान उसे गुप्त रूप से भगवान की कार्य योजना का पता लगाने के मिशन पर नियुक्त करता है, जिसने भारत को नष्ट करने के लिए कुछ बड़ा प्लान किया था. भगवान कौन है, शैतान के साथ उसका क्या रिश्ता है, क्या विक्की ने उसे ढूंढ लिया और उसके मिशन को रोक दिया, आगे क्या हुआ, फिल्म में सभी जवाब है. अकेले किनेनी को निभाने के लिए एक शानदार भूमिका मिली है, उनके किरदार को निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी ने बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया है, जो अखिल की पिछली भूमिकाओं से बिल्कुल अलग है. उनका अभिनय खास तौर पर एक्शन सीक्वेंस में बड़े पर्दे पर देखने लायक है. अखिल को इस तरह के अलग अलग किरदार में देखना प्रशंसकों के लिए किसी दावत से कम नहीं है. सुरेंद्र रेड्डी ने अखिल में एक बेहतरीन डांसर की भूमिका भी निभाई है. अखिल के प्रयास और भूमिका के लिए उनका रूपांतरण सराहनीय है. मलयालम मेगा स्टार ममूटी को एक अच्छी भूमिका मिली है. उनका किरदार दर्शकों के बीच भ्रम पैदा करता है कि ये रॉ चीफ है या बुरे आदमी. स्टार हीरो अपने किरदार के लिए डबिंग भी करते हैं, जो अच्छी बात है. साक्षी वैद्य बहुत ही प्यारी लगती है और अखिल के साथ उनकी स्क्रीन टाइम बहुत ही कम है, लेकिन ये देखने लायक है. अखिल के प्रशंसकों के लिए पहला भाग एक दवात है, क्योंकि उनका किरदार अप्रत्याशित है. वो पागल है और पहले भाग में उसकी हरकतें मजेदार है. मंत्री जयदेव के साथ उनकी बातचीत और इंटरवल से पहले की लड़ाई की सीक्वेंस सीटी बजाने लायक है. माइनस पॉइंट्स, कहानी थोड़ी अनुमानित है. वक्त तंबामसी को कम से कम दूसरे घंटे में कहानी को आकर्षक तरीके से लिखने में उचित सावधानी बरतनी चाहिए थी. पहले भाग में अच्छी पटकथा दूसरे भाग में धीमी गति से चलती है, इससे बोरियत महसूस होगी. दूसरा भाग फिल्म के लिए एक बड़ी निराशा है, क्योंकि ये पहले भाग जितना आकर्षक नहीं है. क्लाइमैक्स वाला हिस्सा बहुत ही मूर्खतापूर्ण लगता है. दूसरे भाग में भावना तक हिस्सा अच्छा नहीं रहा. डीनो मोरिया द्वारा निभाया गया खलनायक का किरदार अच्छा है, लेकिन निर्देशक को ये बताने के लिए बेहतर कारण दिखाना चाहिए था कि वो भारत के खिलाफ क्यों है. साथ ही कई किरदारों का फिल्म से कोई लेना देना नहीं है. उदाहरण के लिए इस फिल्म में वरलक्ष्मी शरद कुमार की कोई जरूरत नहीं है. मुरली शर्मा, अनिशा कुरुविल्ला और अन्य केवल कुछ दृश्य तक ही सीमित है. एक्शन सीक्वेंस अच्छे से डिजाइन किए गए हैं, लेकिन वीएफएक्स बहुत ही खराब है. और ईमानदारी से कहे तो कई मिड बजट फिल्मों में इससे बेहतर वीएफएक्स होता है. साथ ही गानों की प्लेसमेंट खराब है, ये बाधा बन जाते हैं. निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी अखिल की पूरी क्षमता का उपयोग करने में सफल रहे हैं. उन्होंने उन्हें बहुत ही अच्छे से दिखाया और अभिनेता के सामूहिक दृष्टिकोण को उजागर किया. हालांकि ये दूसरे भाग में कहानी को अच्छी तरह से बयान करने में विफल रहे, जिससे पहले भाग के अच्छे प्रदर्शन के बाद काफी आकर्षक होना चाहिए था. रसूल एलोर की सिनेमाटोग्राफी ठीक है और हिप हॉप तमीज़ा का संगीत भी ठीक है. संपादन बेहतर हो सकता था और नवीन नोली को दूसरे भाग में कई अनावश्यक दृश्यों को काम करना चाहिए था. प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है. कुल मिलाकर अखिल स्टारर एजेंट एक औसत दर्जे की जासूसी थ्रिलर है. अखिल का प्रदर्शन और कुछ एक्शन सीक्वेंस फिल्म के लिए वरदान है. दूसरे भाग में खराब पटकथा, कुछ अति रंजित दृश्य और एक मूर्खतापूर्ण क्लाइमैक्स भाग आपको बोरियत का एहसास कराता है. अगर आप एक्शन मूवी के दीवाने हैं तो आप इस वीकेंड ये फिल्म देख सकते हैं. बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दिया गया है. तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर देख सकते हैं. एजेंट फिल्म देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी वो भी हिंदी में. रॉ प्रमुख कर्नल महादेव उर्फ द डेविल से दो आतंकवादियों को मारने के लिए एक असंभव मिशन की योजना बनाने के बारे में पूछताछ की गई, जहां महादेव ने खुलासा किया कि दोनों आतंकवादी जस्ट सिंडिकेट नामक एक निजी आतंकवादी संगठन के तहत काम कर रहे थे, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री जय किशन और धर्म उपनाम भगवान. इस बीच रामकृष्ण रिकी उर्फ वाइल्ड साला एक महत्वाकांक्षी युवा है जो कई असफल प्रयासों के बावजूद रॉ एजेंट बनना चाहता है. उसकी क्षमता को देखने के बाद महादेव रिकी को धर्म पर कब्जा करने के लिए एक नौसिखिया के रूप में खुद को छिपाने के मिशन पर सौंपता है.
ये पता चला कि धर्मा एक पूर्व रॉय जिन था जो महादेव द्वारा उसकी प्रेमिका को मारने के लिए मजबूर करने के बाद दुष्ट हो गया था और अब सुपर सेल्स नामक एक घातक वायरस फैलाने की योजना बना रहा है। महादेव के साथ मुठभेड़ के दौरान वायरस युक्त उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाता है और एक तकनीकी समस्या उत्पन्न हो जाती है। रिकी बंदरगाह पर गोलीबारी में जय किसान को मार देता है और धर्मा के सिंडिकेट के अन्य संचालकों के बारे में जानने के लिए कश्मीर जाता है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और महादेव उसे रॉ एजेंट होने से इनकार करता है। ऐसा करने के तुरंत बाद रिकी धर्म की मदद से हिरासत से भाग जाता है। बाद में उसे पता चला कि रिकी की गिरफ्तारी रिकी और महादेव दोनों द्वारा धर्म के संचालन के बारे में जानने के लिए बनाई गई एक चाल थी। इस बीच वायरस युक्त डिवाइस को ठीक कर दिया जाता है और डिवाइस को उच्च बोला लगाने वाले को बेचने के लिए एक बैठक की व्यवस्था की जाती है, जिसके बारे में महादेव को रिकी से पता चलता है और वो उसे डिवाइस की एक प्रति प्राप्त करने का काम सौंपता है, जिसमें सभी के नाम और पहचान भी शामिल होती है, सीक्रेट रॉ एजेंट और सक्रिय रॉ एजेंट। धर्म का पता चलता है कि रिकी डिवाइस की नकल कर रहा है, जिस पर वो महादेव का सामना करता है और उसे खुद को गोली मारने के लिए मजबूर करता है या वो मिसाइलों के माध्यम से वायरस फैला देगा। महादेव रिकी को उसी गोली मारने के लिए कहता है जो वो अनिच्छा से करता है। रिकी धर्मा का पता लगाता है और उसे मार डालता है, साथ ही मिसाइलों को देश में वायरस छोड़ने से भी रोकता है। बाद में वो रैबिट फायर नामक एक नए मिशन पर निकल पड़ा। साउथ एक्टर अखिल अक्किनेनी की फिल्म एजेंट देखने से पहले जान लीजिए फिल्म का पूरा रिव्यू। प्रेम कहानियों का नाम अक्किनेनी परिवार के नायकों के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा नायक अखिल अब तक ऐसी कहानियों के साथ सफर करता रहा है। हेलो मिस्टर मजनू और मोस्ट एलिजिबल बैचलर फिल्मों से उन्होंने सिनेमा प्रेमियों के मन में लवर बॉय की छवि बना ली है, लेकिन अब अखिल एजेंट के साथ अपनी छवि के विपरीत एक मास एक्शन हीरो के रूप में मनोरंजन करने के लिए तैयार है। सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित ये एक स्टाइलिश स्पाई एक्शन थ्रिलर है। ममूटी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्मांकन में देरी के कारण कई बार स्थगित हुई फिल्म ने आखिरकार सिनेमाघरों में प्रवेश कर लिया है। और क्या है इस एजेंट की कहानी? इस फिल्म के लिए अखिल को 2 साल की मेहनत का क्या नतीजा निकला? रिकी उर्फ रामकृष्णा एक मिडिल क्लास लड़का है। वो जासूस बनने के उद्देश्य से रहता है। वही वजह है कि वो RA में शामिल होने के लिए 3 बार परीक्षा देता है, लेकिन हर बार इंटरव्यू में उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। अपने एथिकल हैकिंग कौशल के साथ ये सोचकर कि उसे आजमाने का कोई फायदा नहीं है, रॉ प्रमुख डेविल उर्फ महादेव सिस्टम को हैक कर लेता है और उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन रिकी की बंदर की हरकतों को देखकर वो भी उसे रिजेक्ट कर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर भगवान उर्फ धर्म भारत को नष्ट करने के लिए मिशन रैबिट नामक चीन के साथ एक बड़ी साजिश रचता है। हालांकि महादेव अपने एजेंट की मदद से उनकी साजिश को विफल करने की कोशिश करते हैं और विफल हो जाते हैं, इसलिए वो दूसरी बार रिकी को उस मिशन के लिए तैनात करता है और महादेव ने रिकी को जिस रॉ के लिए काम नहीं करने के कारण अलग कर दिया गया था उतने बड़े मिशन के लिए मैदान में क्यों उतारा? रिकी ने अपने आदेशों को दरकिनार कर कौन से जोखिम मिल लिए? उनके असली जासूस बनने के लक्ष्य के पीछे क्या प्रबल कारण था? कैसे रॉ को मिशन रैबिट वैद्य के साथ उनके रोमांस का क्या हुआ? इस कहानी के केंद्रीय मंत्र जय किशन क्या है वो बाकी कहानी है। ये एक जासूसी एक्शन थ्रिलर है जो देशभक्ति की पृष्ठभूमि पर आधारित है। मुख्य रूप से ये 3 रॉ एजेंटों के बीच की लड़ाई है। यदि उनमें से एक देश को नष्ट करने के उद्देश्य काम कर रहा है तो वही दिलचस्प है कि अन्य 2 साजिश को रोकने के लिए कैसे लड़े। हाल ही में रिलीज हुई पठान भी इसी तरह की कहानी है, लेकिन इस फिल्म में जितने एक्शन और थ्रिलिंग एलिमेंट से ये फिल्म नदारद है। दरअसल इस तरह की जासूसी एक्शन थ्रिलर में कहानी बस एक छोटी सी लाइन होती है, एक्शन और रोमांचकारी क्षण अधिक महत्वपूर्ण है। फिल्म की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें कितना दिलचस्प बनाया गया है। इस लिहाज से रेजेंट उम्मीद के मुताबिक प्रभावित नहीं कर पाया। फिल्म दिलचस्प तरीके से शुरू होती है जब रिकी द्वारा महादेव की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है।
वहां से कहानी रिकी के वॉइस ओवर के साथ आगे बढ़ती है। ड्रीम एजेंट के रूप में अखिल की एंट्री फाइट प्रभावशाली है। रिकी के जासूस बनने की प्रयासों के साथ पहले प्रवन मिनट, फिर वैद्य के साथ प्रेम प्रसंग के साथ एक और 20 मिनट के लिए फिल्म स्पष्ट रूप से चलती है। कहानी को उस दृश्य के साथ एक और बढ़ावा मिलता है जहां रिकी केंद्रीय मंत्री जय किशन के घर जाता है और वैद्य को परेशान करने की चेतावनी देता है। भगवान का मिशन खर गोहो भारत को नष्ट करना शुरू कर रहा है। फिल्म गति पकड़ती है क्योंकि उसे रोकने के लिए महादेव और रिकी को लाया जाता है। ब्रेक से पहले बीस्ट लुक के साथ अखिल का एक्शन उमद, जिस तरह से वो महादेव के आदेशों की अनदेखी करता है और जय किशन का ग्रह खड़ा करता है, वो मनोरंजक है। उसके साथ ही दिलचस्पी ये देखने लगती है कि सेकेंड हाफ में क्या होगा, लेकिन उसके बाद से लगता है कि कहानी पूरी तरह से खो गई है। वास्तव में रॉ द्वारा चलाए जाने वाले ऑपरेशन, जिस तरह से वो दुश्मनों की साजिश को तोड़ते हैं, वो बहुत ही रीचक और रोचक अकल्पनीय है। उस सिस्टम की पूरी कार्य प्रणाली एक माइंड गेम की तरह होती है, लेकिन इसमें उसे प्रभावी ढंग से नहीं दिखाया जा सका। कुछ एपिसोड्स को देखकर लगता है कि फिल्म रॉ के असल परफॉर्मेंस पर बिना कोई रिसर्च किए बनाई गई थी। वीडियो में विलन अपने ऑफिस में बैठकर रॉ टीम का कार्यकलाप देख रहा है। ये देखकर बड़ा ही बेहुदा लगता है। पहले हाफ की तुलना में दूसरे हाफ में एक्शन डोज ज्यादा होता है। हर 10 मिनट में एक लड़ाई या पीछे करना वाला एपिसोड आता है और चला जाता है। इनमें से कुछ प्रभावशाली है जबकि अन्य खिंचाव की रतब लगाते हैं। ठंडा दृश्य में आने वाला एक्शन एपिसोड भी रूटीन है। जैसे कि सभी को उम्मीद थी, रिकी ने धर्मा को समाप्त कर दिया है और मिशन रैबिट को विफल कर दिया। कहानी को एक लकी कार्ड मिलता है। अखिल का एक एजेंट की भूमिका में किए गए संघर्ष स्क्रीन पर हर फ्रेम में स्पष्ट है। सुरेंद्र रेड्डी ने उन्हें पर्दे पर स्टाइलिश लुक में प्रभावशाली ढंग से दिखाया है। समझाया जाता है कि फाइट सीन्स के लिए अखिल ने काफी मेहनत की गई है। एक्टिंग के मामले में वो काफी नए नजर आए। रॉ के प्रमुख के रूप में सौतन के रूप में ममूटी का प्रदर्शन फिल्म का मुख्य आकर्षण है। उनकी छवि और अनुभव ने भूमिका में और अधिक पूर्णता ला दी है। दिनो मोरिया का खलनायक का चरित्रण नियमित है, लेकिन कहानी में अच्छी तरह से सेट है। साक्षी वैद्य कुछ रोमांटिक दृश्य और दो या तीन गानों तक सीमित है। वास्तव में अखिल और उसके बीच की प्रेम ट्रैक कहानी को गतिरोधक लगता है। उस लव ट्रैक के बिना भी कहानी को कोई नुकसान नहीं होता। संपत राज, बड़े लक्ष्मी और शरद कुमार, मुरली शर्मा और अन्य की भूमिकाएं दायरे में है। सुरेंद्र रेड्डी द्वारा निर्देशित स्टाइलिश एक्शन फिल्मों में एजेंट का एक विशेष स्थान है। हालांकि कहानी को रोचक नहीं बनाया गया, दर्शकों द्वारा अपेक्षित ट्विस्ट और टर्न और रोमांचकारी क्षणों ने इस फिल्म के परिणाम को चोट पहुंचाई। रसूल द्वारा प्रदान किया गया पार्श्व संगीत फिल्म का एक अतिरिक्त आकर्षण बन गया, लेकिन गाने बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं है। रसूल एलोर की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, निर्माण मूल्य बहुत अधिक है। अखिल अक्किनेनी की फिल्म एजेंट देखने से पहले यह जाने पूरा रिव्यू, वो भी हिंदी में, और जाने किस ओटीटी पर देखे इस फिल्म को। पी रामकृष्णा उर्फ रिकी एक अति सक्रिय युवा है जो जासूस बनना चाहता है, लेकिन रॉ द्वारा 3 बार खारिज कर दिया जाता है। इसलिए वो रॉ प्रमुख महादेव उर्फ द डेविल के सिस्टम को हैक कर लेता है ताकि वो उसकी नजर में आ सके। अंत में शैतान उसे गुप्त रूप से भगवान की कार्य योजना का पता लगाने के मिशन पर नियुक्त करता है, जिसने भारत को नष्ट करने के लिए कुछ बड़ा प्लान किया था। भगवान कौन है, शैतान के साथ उसका क्या रिश्ता है, क्या विक्की ने उसे ढूंढ लिया और उसके मिशन को रोक दिया, आगे क्या हुआ, फिल्म में सभी जवाब है। अखिल अक्किनेनी को निभाने के लिए एक शानदार भूमिका मिली है। उनके किरदार को निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी ने बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया है, जो अखिल की पिछली भूमिकाओं से बिल्कुल अलग है। उनका अभिनय खास तौर पर एक्शन सीक्वेंस में बड़े पर्दे पर देखने लायक है। अखिल को इस तरह के अलग अलग किरदार में देखना प्रशंसकों के लिए किसी दावत से कम नहीं है। सुरेंद्र रेड्डी ने अखिल में एक बेहतरीन डांसर की भूमिका भी निभाई है। अखिल के प्रयास और भूमिका के लिए उनका रूपांतरण सराहनीय है। मलयालम मेगास्टार ममूटी को एक अच्छी भूमिका मिली है। उनका किरदार दर्शकों के बीच भ्रम पैदा करता है कि ये रॉ चीफ है या बुरे आदमी
स्टार हीरो अपने किरदार के लिए डबिंग भी करते हैं, जो अच्छी बात है। साक्षी वैद्य बहुत ही प्यारी लगती है और अखिल के साथ उनकी स्क्रीन टाइम बहुत ही कम है, लेकिन ये देखने लायक है। अखिल के प्रशंसकों के लिए पहला भाग एक दवात है, क्योंकि उनका किरदार अप्रत्याशित है। वो पागल है और पहले भाग में उसकी हरकतें मजेदार है। मंत्री जयदेव के साथ उनकी बातचीत और इंटरवल से पहले की लड़ाई की सीक्वेंस सीटी बजाने लायक है। माइनस पॉइंट्स, कहानी थोड़ी अनुमानित है। वक्त तंबामसी को कम से कम दूसरे घंटे में कहानी को आकर्षक तरीके से लिखने में उचित सावधानी बरतनी चाहिए थी। पहले भाग में अच्छी पटका था, दूसरे भाग में धीमी गति से चलती है, इससे बोरियत महसूस होगी। दूसरा भाग कम के लिए एक बड़ी निराशा है, क्योंकि ये पहले भाग जितना आकर्षक नहीं है। क्लाइमैक्स वाला हिस्सा बहुत ही मूर्खतापूर्ण लगता है। दूसरे भाग में भावना तक हिस्सा अच्छा नहीं रहा। डीनो मोरिया द्वारा निभाया गया खलनायक का किरदार अच्छा है, लेकिन निर्देशक को ये बताने के लिए बेहतर कारण दिखाना चाहिए था कि वो भारत के खिलाफ क्यों है। साथ ही कई किरदारों का फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण के लिए इस फिल्म में वरलक्ष्मी शरद कुमार की कोई जरूरत नहीं है। मुरली शर्मा, अनिशा कुरुविल्ला और अन्य केवल कुछ दृश्य तक ही सीमित है। एक्शन सीक्वेंस अच्छे से डिजाइन किए गए हैं, लेकिन वीएफएक्स बहुत ही खराब है। और ईमानदारी से कहे तो कई मिड बजट फिल्मों में इससे बेहतर वीएफएक्स होता है। साथ ही गानों की प्लेसमेंट खराब है, ये बाधा बन जाते हैं। निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी अखिल की पूरी क्षमता का उपयोग करने में सफल रहे हैं। उन्होंने उन्हें बहुत ही अच्छे से दिखाया और अभिनेता के सामूहिक दृष्टिकोण को उजागर किया। हालांकि ये दूसरे भाग में कहानी को अच्छी तरह से बयान करने में विफल रहे, जिससे पहले भाग के अच्छे प्रदर्शन के बाद काफी आकर्षक होना चाहिए था। रसूल एलोर की सिनेमाटोग्राफी ठीक है और हिप हॉप तमीज हा का संगीत भी ठीक है। संपादन बेहतर हो सकता था और नवीन नोली को दूसरे भाग में कई अनावश्यक दृश्यों को काम करना चाहिए था। प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है। कुल मिलाकर अखिल स्टारर एजेंट एक औसत दर्जे की जासूसी थ्रिलर है। अखिल का प्रदर्शन और कुछ एक्शन सीक्वेंस फिल्म के लिए वरदान है। दूसरे भाग में खराब पटकथा, कुछ अति रंजित दृश्य और एक मूर्खतापूर्ण क्लाइमैक्स भाग आपको बोरियत का एहसास कराता है। अगर आप एक्शन मूवी के दीवाने हैं तो आप इस वीकेंड ये फिल्म देख सकते हैं। बात करें फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Z5 पर देख सकते हैं।